हेलो क्लास इलेवेंथ के विद्यार्थियों स्वागत है आप सभी का क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ के हिंदी माध्यम के इंडिया के सबसे टॉप यूट्यूब चैनल विक्रम सिंह पर बच्चों मैं हूं आपका मैथ्स का एजुकेटर दीपक खंडेलवाल एंड बेटा मैं आपको इस चैनल पर क्लास इलेवेंथ की मैथ्स पढ़ाऊंगा बच्चों आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले और क्लास इलेवेंथ की मैथ की इस जर्नी को शुरू करने से पहले मैं आपको सबसे पहले अपने बारे में थोड़ी बातें बता देता हूं बेटा मेरा नाम दीपक खंडेलवाल है एंड मुझे चार साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है आप जैसे लाखों बच्चों को पढ़ाने का बच्चों मैंने अपनी ग्रेजुएशन एनआईटी इलाहाबाद से की है बीटेक और देन उसके बाद मैं लगातार क्लास इलेवेंथ और क्लास ट्वेल्थ के विद्यार्थी को डाउटनेट के प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहा हूं और बेटा मेरे द्वारा पढ़ाए गए काफी विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे परसेंटेज प्राप्त किए हैं क्लास ट्वेल्थ में और कुछ बच्चे तो मेरिट लिस्ट में टॉप भी किए हैं तो यदि आपको भी टॉप करना है क्लास ट्वेल्थ में मैथ्स में बेहतर बनना है तो यकीन मानो बच्चों आपको मुझसे बेहतर टीचर और कोई नहीं मिल सकता यह बेटा मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं यह मैं पिछले सालों के रिकॉर्ड को देखकर आपको बता रहा हूं ठीक है कि आप सब लोग एकदम राइट प्लेटफॉर्म पर अब जुड़ चुके हो आपको कहीं और जाने की जरूरत अब नहीं है ठीक है अब देखो क्लास इलेवेंथ की जो जर्नी होने वाली हमारी यह बेटा क्लास टेन्थ से काफी डिफरेंट होने वाली है बच्चों सबसे पहले तो मैं आपको इन दोनों ही क्लासेस के बीच का डिफरेंस समझा देता हूं बेटा आप सब ने क्लास टेंथ में भी मैथ्स के काफी चैप्टर पढ़े होंगे और क्लास इलेवेंथ में भी आप काफी चैप्टर पढ़ने वाले हो देखिए क्लास टेंथ में आपने टोटल पंद्रह चैप्टर पढ़े थे यहां पर बेटा आप एक एक्स्ट्रा चैप्टर पढ़ने वाले हो सोलह चैप्टर पढ़ने वाले हो, यदि हम की बात करें तो 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 चैप्टर चैप्टर पर हट भी गया है, है? ठीक के हिसाब से बेटा, देखो, आपको और नाइन्थ में आपने कि क्लास नाइन्थ में तो आपने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी देन उसके बाद उनका विस्तृत रूप आपने क्लास टेंथ में जाना था जैसे क्लास नाइन तक आप केवल परमे संख्याओं के बारे में जानते थे क्लास टेंथ में जाके आपने वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा इसके अलावा बहुपद में भी थोड़ी बहुत बातें नाइन्थ क्लास में पढ़ी थोड़ी बहुत बातें टेंथ क्लास में पढ़ी ऐसे ही दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग में भी ठीक है बट बेटा मैं आपको बता दूं कि क्लास इलेवेंथ के जो चैप्टर्स है ना ये बिल्कुल ही अलग है आपको यहां पर सभी नए चैप्टर मिलने वाले होंगे और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि क्लास में इस तरीके के चैप्टर हैं कि यदि आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ना चाहो ना पढ़ सकते हो जैसे मान लो आप पहले दूसरे नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बाद छठे नंबर का चैप्टर पढ़ रहे हो फिर आपका मन किया नहीं बारहवें नंबर का चैप्टर पढ़ने का बारहवें का पढ़ लिया आपका मन किया पंद्रह नंबर का चैप्टर पढ़ने का पंद्रहवें नंबर का चैप्टर आप पढ़ सकते हो कोई भी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है यहां पर जबकि क्लास ट्वेल्थ में ऐसा नहीं है क्लास ट्वेल्थ में बेटा आप जाओगे तो वहां पर आप देखोगे कि चैप्टर्स एक दूसरे से लिंक है जब तक आप चैप्टर सातवा नहीं आएगा सातवें को नहीं पढ़ोगे आठवा नहीं, नहीं आएगा नहीं आएगा ठीक है ऐसे दसवें को पढ़ोगे तब जाके ग्यारहवा समझ में आएगा तो ट्वेल्थ क्लास में तो चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है इलेवेंथ में बेटा ऐसा नहीं है ठीक है अच्छा अब देखो बेटा इलेवेंथ में आपको कुछ कुछ चैप्टर ऐसे भी मिलेंगे जिनमें क्लास टेंथ के कुछ एप्लीकेशन का या पूरे ही कंसेप्ट का प्रयोग किया गया है जैसे कि हम बात करें चलो हम शुरू से बात करते हैं पहले चैप्टर से बात करते हैं समुच्चय तो ये बेटा बिल्कुल आपका नया चैप्टर रहने वाला है बिल्कुल नया चैप्टर आपने समुच्चय के बारे में अब तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा है पहली बार पढ़ोगे संबंध एवं फलन ये भी बेटा आप पहली बार पढ़ोगे कुछ भी नहीं पढ़ा आपने पहले ठीक है त्रिकोण फलन यहां पर बेटा आप दसवीं क्लास के चैप्टर था त्रिकोण त्रिकोणी के दो चैप्टर थे दसवीं क्लास में त्रिकोणमति का परिचय त्रिकोणी के कुछ अनुप्रयोग आप यहां पर बेटा त्रिकोणी का परिचय पूरा की पूरा यहां पर पढ़ोगे पूरा की पूरा बेटा आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ोगे देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और भी आगे की बातें हम यहां पर करेंगे ठीक है गढ़ती आगमन का सिद्धांत बिल्कुल अलग होगा सम्मिश्र संख्याएं ये बेटा बिल्कुल ही अलग होंगी अच्छा यहां पर आप देख रहे हो द्विघाती समीकरण तो बच्चे सोच रहे होंगे कि द्विघाती समीकरण तो सर हमने दसवीं क्लास में पढ़ा था क्या वही होगा बेटा होगा तो वही बट उससे आगे की कहानी होगी यहां पर सम्मिश्र संख्याओं से रिलेटेड होगी ठीक है उसके बाद रेखी का समीकरण बिल्कुल नया क्रमच संचय बिल्कुल नया द्विपथ प्रमय बिल्कुल नया है थोड़ी बहुत चीजें नवी क्लास में किए अनुक्रम तथा श्रेणी इस चैप्टर के अंतर्गत बच्चों या पांचवा चैप्टर था समांतर श्रेणी ये भी आप पढ़ोगे ठीक है समांतर श्रेणी पूरा की पूरा बेटा आप यहां पर पढ़ोगे देखिए बच्चों समांतर श्रेणी जो है ना यदि आप यूपी बोर्ड से हो तो पिछले साल ये आपके सिलेबस में नहीं था यानी इस साल जब आपने क्लास टेंथ दी है तो ये आपके सिलेबस में नहीं होगा क्योंकि यूपी बोर्ड ने इस चैप्टर को हटा दिया था तो उन बच्चों ने हो सकता है कि समांतर श्रेणी को पढ़ा ही ना हो बट बेटा यहां पर मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा यहां पर मैं कुछ और प्रकार की श्रेणियों के बारे में भी बताऊंगा फिर हम लाइंस के बारे में पढ़ेंगे देन उसके बाद हम ज्यामिति का परिचय पढ़ेंगे अच्छा बच्चों आपने ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति आपने टेंथ क्लास में पढ़ी है तो इसका भी उपयोग बेटा यहां पर होने वाला है ठीक है देन शंकु परिच्छेद बिल्कुल नया चैप्टर होगा सीमा और यह भी बेटा बिल्कुल नया चैप्टर होगा गणितीय विवेचन ये भी बच्चों बिल्कुल नया चैप्टर होगा सांख्यिकी और प्रायिकता बेटा और प्रायिकता इन्हें आप नवी दसवीं क्लास से पढ़ते आ रहे देखो आपने पहली बार क्लास हो देखो पढ़ी फिर, फिर बारहवीं में बेटा आप पढ़ोगे ठीक है सांख्यिकी बच्चों आपने देखो दसवीं क्लास में भी पढ़ी है और अब आप ग्यारहवीं क्लास में भी पढ़ोगे ठीक है तो ये चैप्टर रिलेटेड है ये है ये है ये वाला भी रिलेटेड है उसके अलावा ये भी है और ये भी है थोड़ा सा बाकी सारे बिल्कुल नए चैप्टर ठीक है।, है अब इन चैप्टर्स में बेटा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है इस जो ट्वेल्थ में काम आने वाले केवल मैं उनके नाम आ रहा, रहा हूं ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइव स्टार किया मैंने इसको है ना ट्वेल्थ में जो भी काम आएंगे ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये भी इंपॉर्टेंट है ये सेवन स्टार के बेटा इस पर मैंने ठीक है ये टू स्टार ठीक है तो ये जो स्टार लगाए ना मैंने ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपको ये चैप्टर तो अच्छे से पढ़ने हैं बेटा क्योंकि देखो इनका उपयोग काफी हद तक ट्वेल्थ में भी होने वाला है और ट्वेल्थ हमारी बोर्ड की क्लास है ठीक है सो ये बेटा क्लास 11th के आपसे आप मैं ये नहीं कह रहा कि जिन स्टार लगा केवल उन्हीं चैप्टर को पढ़िए सारे चैप्टर पढ़िए क्योंकि देखो यार आप लोग भी है ना कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लाइक जे की एनडीए की तो वहां पर तो ये सारे चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे ठीक है तो सभी चैप्टर्स को आप समान अधिकार से पढ़िएगा ओके चलिए अब सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास इलेवेंथ का पहला चैप्टर समुच्चय और आज की इस क्लास में बच्चों मैं आपको समुच्चय के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा लाइक like, समुच्चय होता क्या है कैसे निरूपित किया जाता उसको? X by Z, बात है उसको ऐसी ओके अच्छा समुच्चय को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये देख लेते हैं कि समुच्चय चैप्टर के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार हम उनकी चैप्टर प्रोग्रेस देख लेते हैं ठीक है तो बेटा समुच्चय चैप्टर के अंतर्गत हम इन छह टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे पहला टॉपिक होगा समुच्चय और उसका निरूपण इसके अंतर्गत बच्चों में आपको यह बताऊंगा कि समुच्चय क्या होता है कैसे समुच्चय को हम निरूपित करते हैं किस किस तरीके से हम समुच्चय को लिख सकते हैं ठीक है देन इसके बाद बेटा हम समुच्चय के प्रकारों के बारे में बात करेंगे यहां पर बेटा मैं आपको रिक्त समुच्चय के बारे में बताऊंगा एकल समुच्चय के बारे में बताऊंगा परमे तथा अपरमित समुच्चय के बारे में बताऊंगा समान समुच्चय के बारे में बताऊंगा उप समुच्चय के बारे में बताऊंगा घात समुच्चय के बारे में बताऊंगा और सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में बताऊंगा ठीक है फिर अगला टॉपिक होगा हमारा वेन आरेख यहां पर मैं आपको वेन आरेख के बारे में बताऊंगा यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिर बेटा हम समुच्चयों पर संक्रय डिस्कस करेंगे जिसमें हम समुच्चयों का सम्मिलन समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर ज्ञात करना सीखेंगे फिर हम समुच्चय का पूरक ज्ञात करना सीखेंगे और आखिरी में हम कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो ये बेटा टॉपिक है जो कि आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं और इसी क्रम में बेटा आपका ये चैप्टर चलेगा ठीक है अब आज बच्चों हम बात करने वाले हैं समुच्चय और उसके निरूपण के बारे में देखो बेटा ये एक पॉइंट एक प्रश्नावली से रिलेटेड है समुच्चों के प्रकार जो है बेटा ये वन पॉइंट टू और वन पॉइंट थ्री से रिलेटेड है समुच्चयों पर संक्रियाएं ये बेटा 1.4 से रिलेटेड है समुच्चय का पूरक ये 1.5 से रिलेटेड है व्यवहारिक प्रश्न ये बेटा न्यू एनसीआरटी में हट गए बट फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जय में आ जाते यदि हम ओल्ड एनसीआरटी की बात करें तो वन में इसके क्वेश्चन दे रखे थे ठीक है बेटा तो इस तरीके से आपका चैप्टर ये चलने वाला है ओके अब स्टार्ट करते हैं बच्चों हम समुच्चय और उसके निरूपण के बारे में ठीक है क्योंकि आज बेटा मैं आपको यही पढ़ाने वाला हूं आप लोग देखो थंबनेल देखकर आए होंगे। आज मैं आपको समुच्चय और उसका निरूपण के बारे में बताऊंगा बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा आपको कि समुच्चय होता क्या है ठीक है दो यार इतनी देर से हम लोग एक ही बात बोले जा रहे हैं समुच्चय 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 आप लोगों का दिमाग भी खराब हो गया होगा फट रहा होगा सर ये नई चीज तो आप हमें पढ़ा रहे हो समुच्चय बट समुच्चय होता क्या है पहले ये तो हमें बता दो ठीक है आप सबके दिमाग में बेटा एक ही क्वेश्चन आ रहा होगा कि समुच्चय क्या है क्या है भाई समुच्चय ठीक है सो बेटी बेटा बेटी और बेटा समुच्चय क्या होता है समुच्चय बच्चों भिन्न भिन्न अवयवों का एक सुपरिभाषित संग्रह होता है ठीक है देखो बेटा इस परिभाषा को ध्यान से समझने की कोशिश करिए इस परिभाषा में दो चीजें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनके नीचे मैं अंडरलाइन भी कर रहा हूं भिन्न भिन्न और सुपरिभाषित संग्रह ठीक है अच्छा भिन्न भिन्न का मतलब तो आप सब जानते हो भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग ठीक है सुपरिभाषित संग्रह का क्या अर्थ है बेटा नाम से पता लगा सुपरिभाषित सु मतलब क्या होता सब अच्छा, है सबसे अच्छा ठीक है जैसे आप बोलते हो ना कि सुपुरुष है ये, मतलब सबसे अच्छा पुरुष है राइट सुव्यक्ति अच्छा व्यक्ति है सुकर्म है अच्छे कर्म है ठीक है सुपरिभाषित संग्रह इसका मतलब अच्छी प्रकार से परिभाषित संग्रह है अब अच्छी प्रकार से परिभाषित संग्रह का मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक ऐसा संग्रह एक ऐसा संग्रह जो पर्सन टू पर्सन परिवर्तित ना हो यानी व्यक्ति से व्यक्ति में परिवर्तित ना हो व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित ना हो उसे हम सुपरिभाषित संग्रह कहते हैं जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो मैं आपसे पूछू बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर हैं तो आप क्या बोलोगे सर अंग्रेजी वर्णमाला में पांच स्वर हैं ए ई आई ओ यू अब ये क्वेश्चन मैं आपकी क्लास के किसी भी बच्चे से करूं या मैं क्लास ट्वेल्थ से करूं या क्लास टेंथ से करूं या आपके मोहल्ले पड़ोस में किसी से भी क्वेश्चन पूछूं या किसी अमेरिका में कोई व्यक्ति रहता है उससे जिम्बाबे में सबका आंसर सेम ही होगा ए कैसा कलेक्शन है बेटा ये संग्रह सुपरिभाषित है ठीक है सो ऐसे सुपरिभाषित संग्रह को बेटा हम समुच्चय कहते हैं समुच्चय भिन्न भिन्न अभिभों का सुपरिभाषित संग्रह होता है जिसका उदाहरण अभी मैंने आपको दिया उदाहरण पहला उदाहरण दिया अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह देखो अंग्रेजी बनाने में स्वर है ए ई आई ओ यू सब भिन्न भिन्न है और यह बेटा सुपरिभाषित है यह व्यक्ति से व्यक्ति चेंज नहीं हो रहा ठीक है अच्छा इसी प्रकार मान लो मैं आपसे कहूं कि दस से छोटी दस से छोटी संप्राकृत संख्याएं संप्राकृत संख्याओं का संग्रह अब आप लोग सोचिए कि संग्रह सुपरिभाषित है या नहीं भाई यदि मैं आपकी क्लास के किसी बच्चे से पूछूं कि बताओ दस से छोटी संपराकृत संख्याओं का संग्रह क्या होगा तो उसका आंसर क्या होगा सर दो चार छ आठ ये दस से छोटी संपराकृत संख्या है अच्छा मैं इलेवेंथ क्लास को छोड़कर टेंथ क्लास से क्वेश्चन पूछूं तो भी आंसर यही होगा ट्वेल्थ क्लास में पूछू तो भी होगा आपके पापा से पूछूंगा तो भी यही आंसर होगा आपके दादाजी से पूछूंगा तो भी यही आंसर होगा तो व्यक्ति से व्यक्ति में बेटा ये कलेक्शन ये संग्रह परिवर्तित नहीं हो रहा परिवर्तित ना हो तो इसका मतलब सुपरिभाषित संग्रह है और देखो सभी भिन्न भिन्न हैं, तो ये बेटा समुच्चय है ठीक है ये समुच्चय है अब समुच्चय क्या नहीं है फिर उसके बारे में आपको बताता हूं मान लो मैं आपसे पूछूं कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ तीन बल्लेबाजों अच्छा क्रिकेट देखते हो ना आप सब भाई आज की जनरेशन में तो क्रिकेट का भूत सवार है तो उसी का क्वेश्चन है विश्व के सर्वश्रेष्ठ तीन बल्लेबाजों का संग्रह ठीक है अब देखिए बेटा मान लो ये क्वेश्चन मैंने आपकी क्लास में किया तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हमें विराट कोहली धोनी और सचिन अच्छे लगते हैं कुछ कहेंगे नहीं सर विराट अच्छा नहीं लगता हमें तो रोहित अच्छा लगता है धोनी अच्छा लगता है और हमें तो सहवाग अच्छा लगता है कुछ कहेंगे नहीं सर मुझे तो धोनी अच्छा लगता है युवराज अच्छा लगता है और इसके अलावा मान लो जहीर अच्छा लगता है जहीर खान कुछ कहेंगे नहीं सर मुझे तो धोनी अच्छा लगता है मुझे बुमराह अच्छा लगता है और इसके अलावा मुझे धवन अच्छा लगता है तो यहां पर आप बच्चों देख रहे हो कि पर्सन टू पर्सन हमारा कलेक्शन हमारा संग्रह परिवर्तित हो रहा है और यह परिवर्तित हो रहा है इसका मतलब ये कलेक्शन सुपरिभाषित नहीं है और कलेक्शन सुपरिभाषित नहीं है तो इसका मतलब है कि ये समुच्चय नहीं है ठीक है सिंपल so सी बात है यार समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाषित संग्रह होता है सुपरिभाषित संग्रह एक ऐसे संग्रह होता है जो कि व्यक्ति से व्यक्ति परिवर्तित नहीं होता है क्लियर है सबके समझ में आ गई बेटा ये बात चलिए अच्छा अब इसके बाद बेटा हम समुच्चय के बारे में कुछ और बातें करते हैं ठीक है देखो बेटा समुच्चय को हम दर्शाते कैसे हैं तो यहां पर बच्चों हम को अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं ठीक है और यहां पर बेटा ये जो आप देख रहे हो ना ए आई ओ यू दो चार छ आठ ये समुच्चय के अवयव हैं ठीक है ये क्या है समुच्चय के अवयव तो यहां पर आप लिखिए समुच्चय के अवयवों को समुच्चय के अवयवों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से दर्शाते हैं ठीक है ओके बेटा अच्छा अब इसके बाद बच्चों बात करते हैं हम समुच्चय के निरूपण के बारे में कि समुच्चय को हम कैसे निरूपित करते हैं तो समुचयों के निरूपण के बेटा हमारे पास दो तरीके हैं पहला तरीका है रोस्टर या सारणीबद्ध रूप दूसरा तरीका है बेटा समुच्चय निर्माण इन दोनों ही तरीकों के बारे में बेटा हमें यहां पर बात करनी है ठीक है सो एक एक करके बच्चों हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं रोस्टर या सारणीबद्ध रूप के बारे में ठीक है सो बच्चों इस रूप में हम समुच्चय के अवयवों को मजले कोष्टक के अंदर लिखते हैं मजला कोष्टक जानते हो ना ये वाला कोष्टक ठीक है इस कोष्टक में हम समुच्चय के अभिभावक को मजले कोष्टक के इस रूप में हम समुच्चय के अभिभव को मजले कोष्टक के अंदर कौमा चिन्ह से पृथक करके लिखते हैं कौमा चिन्ह जानते हो ना ये वाला चिन्ह ठीक है कौमा चिन्ह से सारणिबद्ध क... सारणी रूप में सारणीबद्ध करके लिखते हैं तभी तो इसको बोला हमने सारणीबद्ध रूप ठीक है ओके बेटा जैसे मान लीजिए हमारे पास संग्रह है उदाहरण के तौर पर हमारे पास संग्रह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये ये संग्रह एक है। ये आपको मैंने भी ये भी बताया कि समुचय को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं तो मैंने इसको कैपिटल ए से दर्शा दिया अब एक्चुअलिटी में देखो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं तो ये है ए आई ओ यू अब यदि बेटा मैं इसको मजले कोष्टक के अंदर बंद करके लिख दू ना तो यह बेटा रोस्टर रूप बन जाएगा ठीक है यहां पर देखो मैंने समुच्चय के अभिव्यू को कौमा से पृथक पृथक करके सारणीबद्ध रूप में लिख दिया तो इसी को बच्चों हम रोस्टर रूप कहते हैं ओके बेटा यही है रोस्टर रूप ओके क्लियर क्लियर हो चो चलिए तो यहां पर मैं आपको लिखा भी देता हूं कि रोस्टर रूप में हम रोस्टर रूप में हम समुच्चय के अवयवों को कोमा से पृथक करके सारणिबद्ध रूप में मजले कोष्ठक यानी इसके अंदर मजले कोष्ठक में लिखते हैं ठीक है बेटा हम मजले कोष्ठक के अंदर लिख देते हैं जिसे मान लीजिए मैं आपसे यहां पर कहूं ये तो पहला उदाहरण था मान लो मैंने यहां पर दूसरा उदाहरण आपको दिया मैंने आपसे कहा कि दीपक आपके गुरुदेव का नाम मेरा नाम है बेटा दीपक शब्द के अक्षरों का समुच्चय अब यह समुच्चय है ना भाई क्योंकि देखो दीपक शब्द जो अक्षर अच्छा हैं वो आपके लिए भी वही हैं आपके पिता के लिए वही है किसी से पूछोगे कि आप वही आंसर देंगे ठीक है तो ये संग्रह एक समुच्चय है ये मान लो बी समुच्चय है बेटा अब देखो बी समुच्चय में अवयव क्या क्या है एक तो है डी अब देखो मैंने समुच्चय की डेफिनेशन क्या बताई कि समुच्चय भिन्न भिन्न अवयवों का सुपरिभाष संग्रह है तो यहां पर बेटा यदि आप ई कौमा ई लिखने जाओगे ना तो भिन्न भिन्न अवयव नहीं हुए सेम अवयव हो गए ठीक है तो हम यहां पर केवल एक ही बार लिखेंगे अब वैसे समझो ना भाषा रूप में पढ़ के देखो भाई दीपक शब्द के अक्षरों का समुच्चय मैं आपसे पूछ रहा हूं दीपक शब्द में कौन कौन से अक्षर हैं? तो आप क्या बोलोगे भाई दीपक में डी दी है ई है अभी थोड़ी बोलोगे सर ई बी है और ई बी है भाई अक्षर सेम ही तो आ गए ना एक ही बार बोलेंगे कि ई अक्षर है ओके तो डी है ई है पी है ए है, ए है और के है तो इनका जो कलेक्शन हो जाएगा उसको मझले कोष्टक के अंदर लिख देंगे तो ये बेटा रोस्टर रूप बन जाएगा ठीक है ओके सो रोस्टर रूप में बेटा हम समुच्चय के अवयव को केवल एक ही बार लिखते हैं ये चीज भी आप लिख सकते हो यहां पर ठीक है कि इसमें हम दो या दो से अधिक सेम अवयों को केवल एक ही बार लिखते हैं ठीक है सो ये होता है बेटा रोस्टर रूप क्लियर अच्छा अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण रूप के बारे में देखो बेटा नाम से पता लग रहा है समुच्चय निर्माण रूप मतलब ये एक ऐसा रूप है जिससे समुच्चय का निर्माण होगा ठीक है अब ध्यान से समझिएगा ये समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए पहला उदाहरण मैं ले लेता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह अब इसे बच्चों में समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है मान लो ये समुच्चय ए है तो देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे ए बराबर बराबर सबसे पहले का चिन्ह लगाएंगे फिर बेटा मजला कोष्टक लगाएंगे ओके आप ऐसे समझ सकते हो बेटा मजला कोष्टक है ना यह समुच्चय की अलमारी है जैसे आप लोगों को कपड़े रखने के लिए अलमारी की जरूरत पड़ती है ना सेम ऐसे समुच्चय को भी अपने अवयवों को रखने के लिए इस मजले कोष्टक वाले बीमा अलमारी की जरूरत पड़ती है ठीक है अच्छा तो ये अलमारी है अलमारी के अंदर अब देखो रखी जाएंगी अंग्रेजी वर्णमा के स्वरों का संग्रह देखो निर्माण रूप में हम हम क्या करते हैं हैं यहां पर हम लिखते हैं अब एक्स एक्स के बाद में बच्चों में यहां पर दो बिंदी लगाते हैं अच्छा इसका मतलब क्या होता है इन दो बिंदियों का मतलब क्या होता है दो खून की कीमत तुम क्या जानो ठाकुर सेम ऐसे ही दो बिंदियों की कीमत मैथमेटिशियन के अलावा और कौन जान सकता है ठीक है बेटा इनका मतलब होता है सच दैट मतलब इस प्रकार है कि इसका मतलब बेटा ये होता है ठीक है तो यहां पर हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स अब देखो एक्स की हम यहां पर बेटा परिभाषा देंगे कि एक्स आखिर है क्या So, यहां पर हम देखेंगे x सज दैट मतलब x इस प्रकार है कि x अंग्रेजी वर्णमाला का अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है ठीक दैट ये हमने अलमारी को बंद कर दिया ठीक है सो so, ये बेटा हमारा रूप होगा समुच्चय निर्माण यहां पर देखो बच्चों हमने एक नियम से समुच्चय के अवयवों को एक दूसरे से जोड़ दिया ठीक है इसलिए हम इसे नियम रूप भी कहते हैं यह बेटा एक फिक्स नियम है इस नियम से मैंने समुच्चय ए के सभी अवयवों को एक दूसरे से जोड़ दिया ठीक है क्लियर सो ऐसे बच्चों हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं जैसे मान लो उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बेटा हमारे पास एक और समुच्चय है सेकंड यह है एजुकेशन डी यू सी ए टी आई ओ एन एजुकेशन शब्द के अक्षरों का संग्रह मान लीजिए बेटा ये बी समुच्चय है ठीक है तो यहां पर देखो बी समुच्चय क्या बनेगा इसको समुच्चय निर्माण रूप में बेटा ऐसे लिखेंगे x such that x यहां पर हम लिख देंगे x क्या है एक्स ईडी ए टी आई ओ एन एजुकेशन शब्द का एक अक्षर है ओके okay? सो so ये बेटा हमारा समुच्चय निर्माण रूप बन जाएगा

अब इसके बाद चलते हम अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है समुच्चय के अवयव अब यहां पर बच्चों आपको दो चिन्हों के बारे में जानना है एक तो है इसके बारे में और एक है इसके बारे में देखो यह है एप्सिलॉन इसका मतलब है के अवयव है और इसका मतलब है अवयव नहीं ठीक है बेटा अब जैसे मान लो मैं आपसे कहूंगी भाई समुच्चय ए में अवयव है ए बी सी डी ठीक है अब ये मैं यहां आप पर आपसे पूछ रहा हूं कि बताओ मुझे कि ए समुच्चय ए में क्या है अब इन दोनों में से कौन सा साइन लगेगा क्या समुच्चय ए एक क्या अवयव ए समुच्चय ए का अवयव है या नहीं है तो है क्या बिल्कुल है तो यहां पर एफ लग जाएगा मान लो मैं आपसे कहूंगी बताओ एफ ये का अवयव है या नहीं तो कौन सा चिन्ह लगेगा इनमें भाई अवयव है, है? है तो बेटा मतलब तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है ठीक है बच्चों अच्छा तो कोई एग्जाम्पल यहां पर कराता हूं यहाँ पर हमारे पास एक समुच्चय दे रखा है एक दो तीन चार पांच छह आपको रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एपसेल नोट को भरना है सॉरी बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू को भरना है एप्स नहीं है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू ठीक है बेटा नहीं है एलन अलग होता है फिजिक्स में काम में लेते हैं ठीक है यह है बिलोंग्स टू और वो है नॉट बिलोंग्स टू अंग्रेजी में बेटा इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू और इसको बोलते हैं नॉट बिलोंग्स टू ठीक है अब जैसे यहां पर आ इस वाले एग्जाम्पल में तो यहां पर देखिए बेटा कि पांच है? है. तो मतलब प्रतीक होगा क्या आठ है नहीं है तो यहां पर ये वाला जाएगा। क्या जीरो है ए में नहीं है तो यहां पर ये वाला प्रतीक आ जाएगा क्या चार है बिल्कुल है ये वाला आ जाएगा क्या दो है बिल्कुल है ये वाला आ जाएगा क्या दस है नहीं है तो ये वाला प्रतीक आ जाएगा सिंपल ऐसे आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है ठीक है बेटा क्लियर आप स... आप सभी को समझ में आ गया ना चलिए अब इसके बाद बच्चों हम लोग बात करते हैं कुछ और अन्य प्रकार के समुच्चयों के बारे में ठीक है कुछ गणितीय समुच्चयों के बारे में बेटा हम यहां पर बात करते हैं अच्छा बच्चों आप सबने दसवीं क्लास तक संख्याओं के बारे में पढ़ा है आपने बेटा दसवीं क्लास में वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा था रियल नंबर वास्तविक संख्याओं के बारे में बेटा आपने पढ़ा था वास्तविक संख्याएं अच्छा वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है परमे और अपरमे है ना अब परमे संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं है जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो हो उन्हें बेटा हम परमे संख्याएं है कहते हैं और अपरमे संख्याएं भी है होती हैं, जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते यदि बेटा हम दशमलव प्रसार के हिसाब से बात करें तो जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवृत्ति होता है उसे तो हम परमे वो तो परमे की कैटेगरी में आता है और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृति होता है वो बेटा अपरमे संख्याएं कहलाती हैं राइट right? अच्छा अब परमे संख्याओं में भी बच्चों आप लोगों ने धन पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा है ऋण पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ा है आपने भिन्न संख्याओं के बारे में पढ़ा है आपने बेटा शून्य के बारे में पढ़ा है ठीक है अच्छा भिन्न संख्याएं क्या होती है जिन्हें हम ए बटे बी के रूप में लिखते हैं जैसे दो बटे तीन है चार बटे पांच है तो ये सब क्या भिन्न संख्याएं हैं धन पूर्णांक संख्या क्या होती है जो कि एक से स्टार्ट होती है एक दो तीन चार पांच पूर्ण है ठीक है तो इन्हें हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं पूर्णांक संख्या है? माइनस एक माइनस दो माइनस तीन ये सब क्या है ऋण पूर्णांक संख्या है जीरो बेटा जीरो होती है ठीक है इसके अलावा बेटा आपने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा है पूर्ण संख्याएं अब पूर्ण संख्या क्या होती है जीरो से जो स्टार्ट होती है जीरो एक दो तीन चार पांच ये सब पूर्ण संख्याएं होती है एक आपने बेटा प्राकृत संख्याओं के बारे में पढ़ा है प्राकृत संख्या प्राकृत संख्या क्या होती है काउंटेबल नंबर जिन्हें हम गिन सकते हैं एक दो तीन चार पांच ये सब क्या है प्राकृत संख्या ठीक है तो ये संख्याओं की फैमिली के बारे में बेटा आपने दसवीं क्लास में पढ़ा था बच्चों एक बात मुझे यह बताओ कि यदि मैं आपसे यह कहूं कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह तो क्या बोलोगे भाई किसी भी बच्चे से पूछ लेना वो उसका आंसर होगा एक दो तीन चार पांच छह मतलब बेटा ये सब ये सब जो मैंने यहां पर लिख रखे ना यह अपने आप में एक समुच्चय भी ठीक है इन्हीं को बच्चों हम गणतीय समुच्चय कहते हैं ठीक है और शुरुआत करता हूं मैं प्राकृत संख्याओं से सबसे पहले है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय प्राकृत संख्याओं का समुच्चय तो बेटा प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं बच्चों प्राकृत संख्याओं को हम एन से दर्शाते हैं ना तो इसके समुच्चय को बेटा हम कैपिटल एन से दर्शाते हैं ठीक है यहां पर देखो अवयव हो जाएंगे एक दो तीन चार पांच डॉट डॉट, डॉट ठीक है ये हो गया बेटा प्राकृत संख्याओं का समुच्चय ओके अच्छा इसके बाद अगला है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्याओं को बेटा हम डब्लू से दर्शाते हैं तो यहां पर डब्लू बराबर हो जाएगा जीरो एक दो तीन चार पांच डॉट 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 ये हो जाएगा बेटा पूर्ण संख्याओं का समुच्चय ठीक है अच्छा इसके बाद तीसरे नंबर पर आएगा अब पूर्णांक पूर्णांकों का समुच्चय पूर्णांकों को बेटा हम आई या जेड से दर्शाते थे, थे तो यहां पर बच्चों हम समुच्चय को भी आई या जेड से दर्शाएंगे यह बेटा बराबर होगा डॉट 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 माइनस तीन माइनस दो माइनस एक जीरो एक दो तीन डॉट 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 ये हो जाएगा बेटा पूर्णांकों का समुच्चय अब बेटा इस पूर्णांकों के समुच्चय के ही दो भाग हैं पहला है धन पूर्णांकों का समुच्चय और दूसरा है ऋण पूर्णांकों का समुच्चय अब धन पूर्णांक आप सबको मालूम है क्या होते हैं एक दो तीन चार पांच ये सब धन पूर्णांक होते हैं राइट है ना अब इसको दर्शाएंगे कैसे धन पूर्णांकों के समुच्चय को सो so, इसको दर्शाएंगे बेटा हम या तो आई प्लस से आई के ऊपर मैंने प्लस लगा दिया या फिर हम जेड प्लस के द्वारा दर्शाएंगे ठीक है ये बेटा यहां पर बराबर हो जाएगा एक दो तीन डॉट 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 ये हो जाएगा धन पूर्णांकों का समुच्चय सेम ऐसे बेटा ऋण पूर्णांकों के समुच्चय को हम आई के ऊपर ऋण लगा करके या जेड के ऊपर ऋण लगा करके दर्शाएंगे और यह हो जाएगा बेटा डॉट 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 माइनस तीन माइनस दो माइनस एक यह बेटा ऋण पूर्णांकों को समुच्चय हो जाएगा ठीक है अच्छा बच्चों देखो जीरो इन दोनों में शामिल नहीं है क्योंकि आप सब जानते हो कि जीरो न धन होती है न ऋण जिन बच्चों को नहीं है मालूम उन्हें मैंने बता दिया थी ठीक है थीक? जीरो न तो धन की कैटेगरी में आती है न ही ऋण की कैटेगरी में आती है ओके क्लियर बेटा अच्छा अब इसके बाद चौथा हमारा कलेक्शन है परमे संख्याओं का समुच्चय परमे संख्याओं का समुच्चय यह बेटा चौथा समुच्चय है ठीक है अच्छा अब बेटा परमे संख्याओं को हम क्यों से दर्शाते हैं तो Q बराबर हो जाएगा अब यहां पर आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो दो तीन चार बटे पांच पांच बटे दस माइनस एक बटे दो कुछ भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो ये सब क्या है परिमय संख्याओं का समुच्चय है ठीक है अच्छा इसके बाद पांचवा है ए परिमेय संख्याओं का समुच्चय ए परिमेय संख्याओं का समुच्चय। अब बेटा इसको हम दर्शाते हैं Q C से ठीक है यहाँ पर वो संख्या होंगी जो कि ए पर में होती हैं, जैसे वर्गमूल तीन है वर्गमूल पांच है वर्गमूल दो है दो पॉइंट एक दो, दो एक जीरो दो डॉट इस प्रकार की संख्याएं। हैं तो ये क्या संख्याएं है बेटा ए पर में संख्या ओके इसका दसम प्रसार अशांत अनावृत्ति है कभी रिपीट नहीं होगा ठीक है इसके बाद छठा समुच्चय है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इसको बच्चों हम कैपिटल आर के द्वारा दर्शाते हैं ठीक है तो ये है बेटा आपके मोटे मोटे छह गणतीय समुच्चय ठीक है पहला प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जिसे हम संज्ञाओं से दर्शाते हैं पूर्णांकों के समुच्चय को, को से दर्शाते हैं पूर्णांकों के समुच्चय को, को आई एड से दर्शाते हैं परमे संख्याओं के समुच्चय को क्यू से दर्शाते हैं परम्य संख्याओं के समुच्चय को क्यू सी से दर्शाते हैं और वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम आर के द्वारा दर्शाते हैं क्लियर अच्छा अब इसके बाद बच्चोंवली एक पॉइंट एक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर देखते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर तीन के बारे में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए यहां पर बेटा हमें इन समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखना है ठीक है सो एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे पहले से शुरुआत करते हैं पहले में कहा गया है कि ए एक समुच्चय है जिसमें एक समय देखो यहां पर देखो बेटा हमें समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है और हमें इसे रोस्टर रूप में परिवर्तित करना है ठीक है सो देखो कैसे परिवर्तित करेंगे यहां पर बोला गया कि x, x एक, एक पूर्णांक है जो कि माइनस तीन से सात के बीच में है अब ये बताओ कि माइनस तीन से सात के बीच में कौन कौन से पूर्णांक अच्छा ये ए है ठीक है, है? ए समुच्चय। तो बच्चों आप मुझे ये बताइए कि माइनस तीन से सात के बीच में कौन कौन से पूर्णांक है भाई माइनस दो है माइनस एक है जीरो है एक है दो है तीन है चार है पांच है और छ है राइट right? तो ये बेटा हमारे पास रोष्ट रूप में समुच्चय हो जाएगा ओके okay. इसके बाद सेकंड वाले में देखिए सेकंड वाले में बेटा बी समुच्चय है अब बी समुच्चय में कैसे है भाई यहाँ एक्स संख्या छह से कम एक प्राकृत संख्या है अब छह से कम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है एक दो तीन चार पांच ये हमने रोस्टर रूप में लिख दिया तीसरे पे आ जाओ सी समुच्चय क्या सी समुच्चय सी समुच्चय एक्स दो अंकीय एक ऐसी संख्या जिसकी अंकों का योगफल है दो अंकी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल है तो कौन कौन सी हो सकती है बेटा एक सत्रह हो सकती है अंकों का योगफल आठ है छब्बीस हो सकती है पैंतीस हो सकती है चवालीस हो सकती है तिरपन हो सकती है बासठ हो सकती है और इकहत्तर हो सकती है इसके अलावा दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल आठ है भी हो सकती है। प्राकृत संख्या है ना अंकों का योगफल है, है ठीक है, तो ये हमने बेटा रोस्टर रूप में लिख दिया ओके okay. अच्छा दो अंकों की संख्या बेटा ये होंगी जिनका योगफल आठ होगा अब जाओ चौथे पर डी समुच्चय देखिए क्या है यहां पर बोला गया कि एक्स एक, एक अभाज्य संख्या है जो संख्या साठ की भाजक है संख्या 60 की भाजक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है दो है तीन है पांच है सात का नहीं जाता ग्यारह का नहीं जाता अच्छा ऐसा करो 60 के यहां पर अभाज्य गुणखंड लिखो तो दो में जाएगा तीस दो में पंद्रह तीन में पांच पांच में एक तो दो तीन और पांच यही है बेटा तो इसको मैंने समुच्चय रूप में लिख दिया ठीक है अब पांच बजे को समुच्चय क्या है सो ई समुच्चय यहां पर है कि टिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय देखो टिग्नोमेट्री शब्द में कौन कौन से अक्षर आ रहे हैं टी आ रहा है, आ रहा है। टी आर आ रहा है, टी आर आई जी ओ एन ओ पहले ही लिख दिया हमने तो को दोबारा नहीं लिखेंगे एम को लिखेंगे फिर एम को लिखेंगे टी पहले लिख दिया आर को लिख दिया वाई को लिख देंगे सारे आ गए ना देखो टी आ गया आर आ गया आई आ गया जी आ गया ओ आ गया एन आ गया एम आ गया ई e आ गया टी पहले आ चुका आर पहले आ चुका वाई आ गया ठीक है तो ये बेटा टिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय हो जाएगा अब यहां पर देखो बेटा जो चीज रिपीट हो रही थी ना उसको मैंने यहां पर नहीं लिखा और एक चीज और बताऊं बच्चों में आपको रोष्ट रूप की खासियत यहां पर बेटा जरूरी नहीं है कि पहले आप टी को लिखो आप है तो आप आर को पहले लिख सकते हो ठीक है तो क्रम का कोई महत्व नहीं होता यहां पर ओके अच्छा इसके बाद छठे पार्ट पर आ जाओ अब यहां पर देखो एफ समुच्चय क्या है सो so, एफ समुच्चय है बैटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय तो बैटर शब्द में क्या है बी है टी है बी है ई e है टी है और आर है बी E, so, बच्चों आपको समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना है अब देखो आपने समुच्चय निर्माण रूप को रोस्टर रूप में बदलना तो सीख लिया अब मैं आपको रोस्टर रूप को समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित करना सिखाता हूं ठीक है तो यहां पर देखो अगले क्वेश्चन में निम्नलिखित समुचों को समुच निर्माण रूप में व्यक्त करना है टोटल पांच है मैं आपको दो के बारे में बताऊंगा केवल ठीक है तीन के बारे में खुद से करना पहले वाले के बारे में बात करते हैं

कि x बराबर है x बराबर है थ्री एन के जहां एन पांच से छोटी पांच से छोटी प्राकृत संख्या है देख लो भाई से छोटी प्राकृत संख्या मतलब एन का मान एक दो तीन चार हो सकता है एन का मान एक दो तीन चार रखोगे तो एक्स के मान तीन छह नौ बारह आ जाएंगे वही इस समुच्चय में है तो मैंने इसको समुच रूप में लिख दिया ठीक है सेम ऐसे अब मान लो मुझे चौथे वाले को लिखना है मान लो ये डी समुच्चय है तो यहां पर पहले अवयव को पहचानो कि अवयव किस तरीके से सबसे पहले तो ये लिख दो क्योंकि ये तो सब में कॉमन है अब अवयव को पहचानो कि इनमें क्या वो फिक्स नियम है एक निश्चित नियम को बेटा यहां पर हमें पहचानना है जिससे सारे वेब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ठीक है तो देखो क्या लिखा हुआ दो चार छह आठ दस बारह ऐसे लिखे हुए मतलब क्या है ये संख्या है। सिंपल यार तो एक्स क्या है संख्या है चलो मैं आपको नियम बता देता हूं सभी में कि कौन सा वो फिक्स नियम है जो कि इन सभी अवय को आपस में जोड़ रहा है यहां पर क्या है दो चार आठ सोलह बत्तीस क्या लिख सकते हो आप यहां पर यहां सेकंड वाले में लिख सकते हो बेटा आप कि दो की घात एन है जहां पर एन का मान एक दो तीन चार पांच तक है ठीक है एन छह से छोटी प्राकृत संख्या है छह से छोटी प्राकृत संख्या है क्लियर ऐसे तीसरे वाले में देखो यहां पर पांच पच्चीस एक सौ पच्चीस छह सौ पच्चीस है तो इसको आप पांच की घात एन लिख सकते हो जहां पर एन पांच से छोटी प्राकृत संख्या है ठीक है पांचे वाले में क्या है एक चार नौ सोलह पच्चीस छत्तीस चौसठ उनका और सौ है मतलब क्या है ये ये एक से लेकर के दस तक की प्राकृत संख्याओं का वर्ग है ठीक है तो इसको बस आप इस फॉर्म में लिख दीजिएगा क्लियर चलिए इसके बाद बेटा हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं ये बेटा आखिरी क्वेश्चन है आज का इसी के साथ समुच्चय का बेसिक इंट्रोडक्शन यहाँ पर फिनिश होता है और समुच्चय को कैसे निरूपित किया जाता है ये भी आप लोग अच्छे से समझ गए हो ठीक है अब यहाँ पर देखो बाई और रोस्टर रूप में लिखे थे और दाई और समुच्चय निर्माण रूप में लिखे थे आपको इनका सही मिलान करना है ठीक है सो पहले वाले में रोस्टर रूप में लिखा हुआ है एक दो तीन छ अच्छा मिलान करना है ना आपको सबसे बेस्ट तरीका होगा कि आप समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप की तरफ जाए तो एक अभाज्य संख्या है और छ की भाजक है तो छह की भाजक और अभाज्य संख्या क्या है छह में किस किस का भाग जाता है दो और तीन का तो इसका मतलब सेकेंड ए से कनेक्ट हो जाएगा सेकेंड कनेक्ट हो गया ए से ठीक है फर्स्ट का अभी कोई अतापता नहीं है थर्ड का भी कोई अता पता नहीं है और फोर्थ का भी कोई अतापता नहीं है आ जाओ बी पर बी में गया कि एक संख्या दस से कम एक विषम प्राकृत संख्या है अब 10 से कम समय पराकृष संख्या क्या होती है एक तीन पांच सात नौ देख लो किसमें आ रहा है फोर्थ वाले में आ रहा है तो फोर्थ का कनेक्शन बी के साथ हो गया ठीक है अब बचे बचे सी और और डी फर्स्ट और थर्ड ठीक है सी में देखो क्या है एक प्राकृत संख्या और छ की भाजक है छ की भाजक है प्राकृत संख्या है तो एक का छह में एक का भाग जा रहा है दो का जा रहा है तीन का जा रहा है और छह का जा रहा है पहला का हो जाएगा सी अब बच्चा क्या थर्ड तो इसका डी हो जाएगा एक्स मैथमेटिक्स शब्द एक अक्षर है आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यार अक्षर वाला केवल एक ही यहां पर समुचे दे रखा है जो कि है थर्ड ओके तो ये बेटा हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया सो so ऐसे बच्चों आप एनसीईआरटी एक पॉइंट एक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और इस तरीके के यदि कोई क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप उनको इस तरीके से सॉल्व कर पाओगे ठीक है सो so ये तो था बेटा समुच्चय का बेसिक इंट्रोडक्शन सबसे पहला टॉपिक है रिक्त समुच्चय जिसे बेटा हम अंग्रेजी में बोलते एम्प्टी सेट देखो रिक्त का मतलब क्या होता है खाली मतलब कुछ भी नहीं है जैसे मान लो आपको कोई फ्रेंड आपसे मान लो कुछ रुपए उधार लेना चाहता है आपका फ्रेंड आपसे कहता है कि भाई मुझे 50 रुपए दे दे तो आप क्या कहते हो तो यार मेरी जेब तो खाली है मेरी जेब में तो कुछ भी नहीं है है हमारी जेब ठीक है तो इम का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है सेम इसी प्रकार से बच्चों समुच्चय खाली होता है अब भाई समुच्चय के पास होता क्या है समुच्चय के पास होते हैं उसके अवयव अब समुच्चय खाली है इसका मतलब उसके पास अवयव नहीं है ठीक है सो इसका अर्थ बच्चों ये हुआ कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है ठीक है उसे बेटा हम रिक्त समुच्चय कहते हैं बेटा इसको अंग्रेजी में हम सेट भी बोलते हैं और इसको हम वर्ड सेट भी बोलते हैं कुछ कुछ किताबों में आपको वर्ड सेट भी लिखा मिल जाएगा ठीक है इसकी परिभाषा क्या होती है परिभाषा है एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता उसे हम रिक्त समुच्चय या इसका दूसरा नाम भी है बच्चों शून्य समुच्चय कहलाता है अब यहां पर आप सब सोच रहे होंगे कि क्या सर ऐसा संभव है कि किसी समुच्चय में कोई अवयव ही ना हो तो जी हाँ बेटा ऐसा संभव है इसका बच्चों मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय है ए समुच्चय ए में एक्स अवयव है और एक्स जो है बेटा वो कक्षा दस और कक्षा ग्यारह का विद्यार्थी है ये बेटा मैंने यहां पर एक समुच्चय लिखा है कि भाई एक, एक एक्स विद्यार्थी है वो क्लास टेंथ में भी पढ़ता है और क्लास इलेवेंथ में भी पढ़ता है अब यार आप खुद अपने दिमाग का उपयोग करके बेटा मुझे बताओ ये कि क्या ऐसा संभव है क्या ऐसे संभव है कि कोई बालक क्लास टेंथ में भी पढ़ रहा हो और क्लास इलेवंथ में भी पढ़ रहा हो ये संभव नहीं है भाई एक साल में वो एक ही क्लास में पढ़ सकता है इसका मतलब ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा तो इसमें कोई भी अवयव नहीं है परंतु बेटा ये समुच्चय है तो इस समुच्चय को हम बोलते हैं रिक्त समुच्चय ठीक है इसके और भी एग्जाम्पल है जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास ए समुच्चय है जिसमें एक्स अवयव है और एक्स एक से दो के बीच की एक प्राकृत संख्या है अब यार जितना मैं जानता हूं एक से दो के बीच में कोई प्राकृत संख्या नहीं होती एक होती है उसके बाद में दो होती है एक और दो के बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होती है तो ये बेटा एक रिक्त समुच्चय है ठीक है सेम ऐसे ही यदि हम बी वाले की बात करें बी पार्ट की बेटा बात करें तो यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस दो बराबर जीरो दे रखा है, दो है इसका मतलब दो हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल दो आ जाएगा अब यहां पर कहा गया कि एक्स एक परमे संख्या है बेटा आपने दसवीं क्लास में पढ़ा है कि वर्गमूल दो एक अपर संख्या होती है और वर्गमूल दो भी अपर है और माइनस वर्गमूल दो भी अपर में है तो क्या यहां पर आपको को परमे संख्या मिली नहीं तो इस समुच्चय बी में कोई अवयव होगा नहीं होगा तो यह भी बेटा एक रिक्त समुच्चय है ठीक है सेम ऐसे ही सी समुच्चय को देखो यहां पर बोला गया कि एक्स संख्या दो से अधिक एक सम अभाज्य संख्या है क्या बेटा दो से अधिक कोई सम अभाज्य संख्या है कोई भी संख्या नहीं है देखो सम अभाज्य संख्या केवल दो है ठीक है समाज्य संख्या केवल दो है दो से अधिक कोई भी समाज संख्या नहीं है तो समुच्चय में भी कोई अवयव नहीं होगा यह भी बेटा एक रिक्त समुच्चय समुच्चय है ऐसे ही डी को देखो अब यहां पर कहा गया कि एक्स स्क्वायर बराबर चार है जहां एक्स विषम है अब बेटा एक्स स्क्वायर बराबर चार है इसका मतलब एक्स बराबर होगा प्लस माइनस दो के अब दो और माइनस दो तो सम होते हैं विषम नहीं होते ठीक है तो यहां पर भी बेटा कोई भी अवयव नहीं होगा इसका मतलब यह भी एक रिक्त समुच्चय है तो यहां से आप क्या समझे क्या समझे बच्चों आप यहां से हम यह समझे कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो उसे हम रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं ठीक है बेटा जी अच्छा अब देखो बेटा इस रिक्त समुच्चय को हम प्रत्येक इसको बोलते हैं फाइ ठीक है फाइव है, बोलते हैं बेटा इसको फाइ अथवा इससे प्रदर्शित करते हैं देखो समुच्चय तो है बट उसके अंदर कुछ नहीं है तो ये होता है बेटा रिक्त समुच्चय क्लियर रिक्त समुच्चय नाम से पता लगा रिक्त मतलब खाली मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव नहीं है उसे हम रिक्त समुच्चय कहते हैं मुझे उम्मीद है कि आप सबको रिक्त समुच्चय अच्छे से समझ में आ गया होगा है ना चलिए अब इसके बाद चलते बेटा हम अगले प्रकार पर अगला प्रकार है बच्चों एकल समुच्चय जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं सिंगलटन सेट अब एकल समुच्चय क्या होता है देखो बेटा अभी हमने रिक्त समुच्चय पढ़ा रिक्त समुच्चय क्या होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता ठीक है अब एकल समुच्चय क्या होगा तो ये बेटा एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें केवल एक अवयव होगा नाम से पता लग रहा है एकल समुच्चय मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं सर इसका क्या एग्जाम्पल होगा देखो बेटा यहां पर देखिए बच्चों मैंने एक समुच्चय ए लिखा है जिसमें एक्स अवयव है और एक्स बेटा एक प्राकृत संख्या है और बराबर में पांच है ठीक है अब यहां पर देखिए बच्चों क्या आएगा एक्स का मान क्या क्या मान संभव है एक्स के बेटा केवल एक्स बराबर तीन संभव है इसके अलावा कोई और प्राकृत संख्या नहीं है जिसको मैं दो के साथ जोड़ू और मुझे पांच मिल जाए तो इसका मतलब यहां पर समुच्चय ए में केवल एक ही अवयव है वो है तीन सो ये समुच्चय बेटा एक एकल समुच्चय है क्या है बच्चों ये एकल समुच्चय सेम ऐसे ही मान लीजिए मैं एक दूसरा समुच्चय बी लिखता हूं एक समुच्चय बी है इसमें एक्स अवयव है और एक्स एक सम अभाज्य संख्या है सम अभाज्य संख्या है अब सम अभाज्य संख्या बेटा केवल एक ही है और वो है दो सो इसका मतलब इस समुच्चय में भी केवल एक ही अवयव है सो ये भी बच्चों एक एकल समुच्चय है ठीक है इसी प्रकार और भी हम एग्जाम्पल देख सकते हैं जैसे तीसरा मान लो हमने बेटा यहां पर समुच्चय सी लिखा ठीक है अब समुच्चय सी एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयव है और एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स का मान एक से तीन के बीच में है ठीक है तो यहां पर बेटा केवल एक ही संभव है एक्स बराबर में दो ठीक है तो यहां पर भी केवल एक ही अवयव होगा दो So, ये भी बच्चों एक एकल समुच्चय है तो ये बेटा मैंने कुछ एकल समुच्चय के आपको एग्जाम्पल बताए हैं ठीक है सो so, एकल समुच्चय क्या होता है एक ऐसे समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो उसे हम एकल समुच्चय कहते हैं ठीक है अच्छा इसके बाद अब चलते बेटा हम अगले प्रकार पर अगला प्रकार है परमित तथा अपरिमित समुच्चय परिमित समुच्चय को बेटा हम अंग्रेजी में बोलते हैं फाइनाइट सेट और एपर में समुच्चय को हम बोलते हैं एन फाइनाइट सेट ठीक है अब देखिए बच्चों ये क्या होते हैं बेटा परिमित का मतलब क्या होता है बच्चों परिमित का मतलब होता है गिनना ठीक है जिसे हम गिन सके उसे बेटा हम परिमित कहते हैं जिसे मान लीजिए मेरे पास एक ठेला है उस थैले में मैंने कुछ रुपए कुछ सिक्के डाल रखे हैं अब उन सिक्कों को मैं गिन सकता हूं ना इसका मतलब मैं ये बोलूंगा कि सिक्के में परिमित थैले में परिमित सिक्के हैं ठीक है ठीके? और मान लो मेरे पास कुछ ऐसी चीज हो जिसे मैं गिन ही ना सकूं तो मैं बोलूंगा कि मेरे पास अपरिमित चीजें हैं ठीक है सो परिमित और अपरिमित का अर्थ समझ में आया परिमित का अर्थ होता है जिसे हम गिन सके जिसकी गणना की जा सके जबकि अपरिमित का अर्थ होता है जिसे हम ना गिन सके ठीक है सो यहां पर देखो परिमित और अपरिमित समुच्चय की परिभाषा क्या होती है परिमित समुच्चय क्या होता है बेटा एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है अर्थात जिसके अवयवों की गणना की जा सकती हो उसे बच्चों कहते हैं ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो अर्थात जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन सके उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं बेटा अब तक आपने दो समुच्चय के प्रकार पड़े थे शून्य और एकल समुच्चय, रिक्त और एकल समुच्चय। अब रिक्त समुच्चय में क्या आप अवयवों की संख्या को गिन सकते हो जी हां सर बिल्कुल गिन सकते हैं जीरो होते हैं क्या एकल में गिन सकते हो सर बिल्कुल गिन सकते हैं एक होता है इसका अर्थ यह हुआ कि शून्य समुच्चय और एकल समुच्चय भी परिमित समुच्चय होते हैं क्या होते हैं बेटा ये परिमित समुच्चय होते हैं ठीक है सो तो आपको सिंपल से याद रखना है परिमित समुच्चय एक ऐसे समुच्चय होता है जिसमें अभिव्योग की संख्या निश्चित होती है अर्थात जिसके अभिभव की संख्या हम गिन सके उसे हम परिमित समुच्चय कहते हैं वही अपरिमित समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है यदि किसी समुच्चय में अभिव की संख्या असीमित है अर्थात उन्हें गिन पाना संभव नहीं है सो ऐसे समुच्चय को हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं ठीक है बेटा चलिए अब मैं बच्चों आपको इनके कुछ एग्जाम्पल्स बताता हूं उदाहरण मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई ए समुच्चय है जिसमें एक्स अवयव है और एक्स दस से छोटी संप्राकृत संख्या है संप्राकृत संख्या है अब देखो दस से छोटी सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी है इसको रोस्टर रूप में लिखिए बेटा देखो ये तो है समुच्चय निर्माण रूप अब इसे हम रोस्टर रूप में परिवर्तित करेंगे ठीक है सो दस से छोटी सम प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है दो चार छ और आठ क्या बेटा आप इस समुच्चय में अभिमुग की संख्या को गिन सकते हो सर बिल्कुल गिन सकते हैं चार हैं भाई गिन सकते हैं ना एक दो तीन चार So, इसका अर्थ यह है कि ये बच्चों एक परिमित समुच्चय है क्या है एक परिमित समुच्चय ठीक है अच्छा और एग्जाम्पल देखो मान लीजिए दे बेटा हमारे पास एक समुच्चय भी है जिसमें एक्स अवयव है और एक्स दस से बड़ी दस से बड़ी विषम प्राकृत संख्या है ठीक है तो यहां पर देखो बेटा क्या होगा इस समुच्चय बी में देखिए क्या होगा दस से बड़ी विषम पराकृत संख्या ग्यारह भी है तेरह भी है पंद्रह भी है सत्रह भी है उन्नीस भी है इक्कीस भी है तेईस भी है पच्चीस भी है सत्ताईस भी है अच्छा एक बात मुझे बताओ क्या आप गिन सकते हो कितनी है मैं आपसे कहूं मान लो मुझे बताओ दस से बड़ी सम दस से बड़ी विषम प्राकृत संख्या कितनी है तो आप कहोगे सर हम गिन ही नहीं सकते भाई विषम प्राकृत संख्या की कोई छोड़ थोड़ी है एंड थोड़ी है इनका गिनते जाओ गिनते जाओ लाखों करोड़ों अरबों तक पहुंच जाओ चलती चली जाएंगे तो सर इनको गिन नहीं सकते हम लोग तो क्या है ये इन्हें गिनी नहीं सकते क्या है ये ऐपर में समुच्च है क्या है बेटा ये अपरिमित समुच्चय इसे हम गिन ही नहीं सकते ये बच्चों एक अपरिमित समुच्चय है ओके बेटा अब देखो बच्चों अपरिमित समुच्चय को हम लिखते कैसे हैं फिर क्योंकि देखो यार आगे तक हम कब तक लिखते चले जाएंगे ठीक है सो बेटा इसके लिए हम क्या करते हैं यहां पर लास्ट में हम तीन डॉट लगा देते हैं। आपने देखा होगा कि जब कभी हमें आगे तक भरना होता था तो हम तीन डॉट लगा के छोड़ देते दे थे दे। इसका मतलब ये था कि आगे भी इसी प्रकार से ये चल रही है ठीक है चलती चली जा रही है क्लियर तो बेटा सो so, ये हो जाएगा ए परिमित समुचय ये परिमित समुच्चय सिंपल सा है परमित समुच्चय होता है जिसमें अभिभव की संख्या निश्चित होती है अर्थात उसमें हम अभिभव की संख्या को गिन सकते हैं कि उसमें कितने वे 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 दस हैं बीस हैं पचास हैं सौ हैं एक लाख हैं पांच लाख हैं गिन सकते हैं हम उन्हें और जिन्हें हम गिनी ना सके उसे हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं ठीक है चलिए इसके बेटा कुछ और एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं तो उदाहरण है आपकी एनसीईआरटी किताब का ही छठा कि बताइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है ठीक है चलिए बेटा इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो यहां पर बच्चों पहला क्वेश्चन है x अवयव है किसी समुच्चय में x एक प्राकृत संख्या है और x माइनस एक घोड़ा एक्स माइनस दो बराबर जीरो है तो यहां पर देखिए क्या क्या मान होंगे x के एक और दो हो जाएंगे क्या बेटा आप इस समुच्चय में अवयव की संख्या को गिन सकते हो बिल्कुल गिन सकते हैं सर दो हैं कितने हैं दो इसका मतलब ये एक परिमित समुच्चय है ठीक है इस वाले में आ जाओ यहां पर कहा गया x बिलोंग्स टू N और एक्स स्क्वायर बराबर चार है सो ऐसी कौन सी प्राकृत संख्या है जिसका वर्ग चार है केवल एक सर वो है दो गिना मैंने कितनी है केवल एक कौन सी है दो इसका मतलब ये भी परिमित समुच्चय है ठीक है यहां पर कहा गया कि x बिलोंग्स टू n है और 2x एक्स माइनस एक बराबर जीरो है अब क्या ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जिसके लिए 2x एक्स माइनस एक बराबर जीरो हो यहां से देखो बेटा x बराबर आएगा वन बाई टू जो कि प्राकृत संख्या नहीं होती इसका मतलब ऐसी कोई प्राकृत संख्या नहीं है जिसके लिए 2x एक्स माइनस बराबर जीरो हो इसका अर्थ यह है कि यह एक रिक्त समुच्चय है और मैंने आपको बताया कि रिक्त समुच्चय भी पारिमित तो होता है क्योंकि यहां पर भी हम गिन सकते हैं कि भाई समुच्चय में एक भी अवयव नहीं है ठीक है अच्छा अब आ जा चौथे पर यहां पे x x n मतलब एक प्राकृत संख्या है और x एक, एक अभाज्य संख्या है अब मैं आपसे कहूं बताओ कितनी अभाज्य संख्या है तो आप क्या हो सर इनकी कोई गिनती थोड़ी है चलते चले जाते हैं दो है तीन है पांच है सात है ग्यारह है तेरह है सत्रह है तेईस है इनकी कोई गिनती थोड़ी है चलते चले जाते हैं सो ये कभी खत्म नहीं होंगे बेटा इसलिए ये अपरिमित है इन्हें हम गिरी नहीं सकते ओके इसी प्रकार पांचवा है बिलोंग्स टू एन है और एक्स विषम है एक्स प्राकृत संख्या भी और विषम भी है अब मैं आपसे पूछू बताओ कितनी विषम प्राकृत संख्या है तो आपका आंसर क्या होगा सर इसकी कोई गिनती नहीं है तो इसका मतलब ये भी ए परिमित है बस इसी तरीके से बच्चों आपको बताना है कि कौन सा समुच्चय परिमित है और कौन सा अपरिमित है क्लियर समझ में आ गया ना बेटा अच्छे से बस ऐसे आपको पहचान करनी है ठीक है चलिए अब इसके बाद चलते बेटा हम चौथे प्रकार पर चौथा प्रकार है समान समुच्चय जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं इक्वल सेट्स अब समान समुच्चय क्या होता है देखिए बच्चों मान लो मैं आपकी क्लास में से कोई दो विद्यार्थी उठाता हूं और मैं ये कहता हूं कि भाई इन दोनों ही विद्यार्थियों में कुछ समानताएं हैं तो मैंने समानता कितनों के बीच बताई दो के बीच क्या मैं कभी ऐसा कह सकता हूं कि एक बच्चे को उठा के बोलूं कि भाई तू समान है अब समान किसके है किसके समान है तो जिससे मैं तुलना कर रहा हूं उसका भी तो पता होना चाहिए ना मतलब ये कि यदि हमें समानता बता रही है ना बेटा तो हमें दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है जैसे कि आप लोगों ने बोला आप लोगों ने देखा होगा कि आपके घर में आपके घर वाले आपको डांटते रहते हैं कि तू तो अपने भाई के समान नहीं है तो आपकी तुलना आपके भाई से की ना दो व्यक्ति हुए ना वहां पर भी ठीक है सेम ऐसे ही बेटा यदि हमें समुच्चयों के बीच में तुलना करनी है तो हमें यहां पर दो समुच्चय लेने पड़ेंगे ठीक है अब देखो दो, दो समुच्चय समान समुच्चय कब होंगे ठीक है तो दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव यदि समुच्चय ए का प्रत्येक सदस्य है प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी सदस्य हो तथा बी का प्रत्येक सदस्य ए का भी सदस्य हो अर्थात दोनों समुच्चयों में तथ्यत समान अवयव हो तो बेटा हमारे समुच्चय समान समुच्चय कहलाते हैं मतलब मान लो कि हमारे पास एक समुच्चय ए है एक समुच्चय बी है अब यदि इन दोनों समुच्चयों में सेम अवयव है समान संख्या में अवयव है और सेम ही अवयव है हैं। तो बेटा ये ए और बी समान समुच्चय कहलाएंगे यही मैंने यहां पे लिख भी रखा देखो ए का प्रत्येक सदस्य बी का भी सदस्य हो और बी का प्रत्येक सदस्य ए का भी सदस्य हो अर्थात दोनों समुच्चयों में समान अवयव हो तो वो समान समुच्चय कहलाते हैं और उसको बेटा हम ए बराबर भी लिखते हैं ठीक है और यदि समान नहीं है तो उन्हें हम असमान समुच्चय कहते हैं और उसे हम ए नॉट इक्वल ये होता है नॉट इक्वल का ए नॉट इक्वल b लिखते हैं ठीक है जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए बेटा ए समुच्चय है इसमें अवयव है एक दो तीन चार एक समुच्चय बी है इसमें अवयव है दो एक चार तीन अब इन दोनों समुच्चयों को ध्यान से देखिए भाई इसमें भी एक है इसमें भी एक है इसमें भी दो है इसमें भी दो है इसमें भी तीन है इसमें भी तीन है इसमें भी चार है इसमें भी चार है मतलब जो अवयव समुच्चय ए में है वो बी में भी है जो बी में है वो ए में भी है तो हम यहां पर लिख सकते हैं बेटा ए बराबर में बी अर्थात ए और बी समान समुच्चय हैं ठीक है अच्छा ऐसे देखो मान लो पी समुच्चय हमारे पास जिसमें अवयव हैं ए बी सी डी क्यू समुच्चय बेटा जिसमें हमारे पास अवयव हैं अच्छा क्यू समुच्चय है ना तो इसको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से लिखेंगे मैंने आपको बताया ना पिछली क्लास में कि समुच्चय को तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से दर्शाते हैं और उसके अवयवों को छोटे अक्षर से ठीक है? E. है अब मान लो क्यू समुच्चय है इसमें अवयव है बी ए डी सी ठीक है अब यहां पर देखो बेटा समुच्चय ए में ए है समुच्चय समुचे पी में अवयव ए है क्यू में भी है समुच्चय पी में बी है क्यू में भी है सी है इधर भी है डी है इधर भी है परंतु समुच्चय क्यू में ई e है पी में नहीं है अर्थात यहां पर देखो समुच्चय पी का प्रत्येक अवयव समुच्चय क्यू का अवयव तो है परंतु समुच्चय क्यू का प्रत्येक समुच्चय P का अवयव नहीं है मतलब ये दोनों समान समुच्चय नहीं है so, क्लियर सो so, ये होते हैं बच्चों समान और असमान समुच्चय चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहां पर डिस्कस करते हैं तो यहां पर उदाहरण है समान समुच्चयों के युग्म छाटिए यदि ऐसा कोई युग्म है और कारण भी बतलाइए ठीक है देखो भाई यहां पर कौन कौन से समुच्चय समान होंगे तो ए में तो अवयव है जीरो देखो तो बेटा यदि आपको समुच्चय समान है या नहीं यह बताना है ना तो पहले सभी समुच्चयों को आप रोस्टर रूप में लिखिए क्योंकि समुच्चय निर्माण रूप से आप आंसर नहीं दे पाओगे अच्छे से रोस्टर रूप में आप सबसे पहले इन सबको लिखिए सो ए समुच्चय है इसमें अवयव है जीरो समुच्चय है क्या इसमें एक्स है एक्स पंद्रह से बड़ा है और एक्स पांच से छोटा है क्या एक्स का ऐसा कोई मान संभव है कि से बड़ा हो और पांच से छोटा हो ऐसा कोई संभव ही नहीं है तो यह खाली समुच्चय हो जाएगा सी में देखो क्या होगा एक्स है और एक्स माइनस पांच बराबर जीरो है इसका मतलब एक्स बराबर पांच आ जाएगा ठीक है डी समुच्चय देखो यहां पर एक्स स्क्वायर बराबर पच्चीस है किन संख्याओं का योग किन संख्याओं के वर्गो वर्ग 25 के बराबर होता है तो वह पांच और माइनस पांच ठीक है अगला है x समीकरण x स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पंद्रह बराबर जीरो को एक धन पूर्णांक मूल है तो भाई इसके मूल क्या होंगे x स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पंद्रह बराबर जीरो ठीक है इसके गुणनखंड देखो बेटा क्या बनेंगे तो ये बनेंगे x माइनस पांच गुणा x प्लस तीन बराबर जीरो एक्स स्क्वायर माइनस दो एक्स माइनस पंद्रह बराबर जीरो ठीक है तो यहां से x बराबर माइनस तीन और पांच आएगा यहां पर कहा गया कि एक धन पूर्णांक मूल है तो धन धनपूर्णांक मूल क्या है पांच तो इसका मतलब इस समुच्चय में भी एक ही अवय है वो है पांच ठीक है अब देखो कौन से समुच्चय समान है समुच्चय ए में अवय है जीरो किसी और समुच्चय में है नहीं तो समुच्चय ए तो किसी के भी समान नहीं है समुच्चय बी में कोई अवयव नहीं है क्या कोई और ऐसा समुचय ये भी नहीं है तो समुच्चय बी भी, भी किसी के समान नहीं है सी को देखो बेटा सी में भी पांच है और ई में भी पांच है तो इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि सी बराबर है ई के क्योंकि सी में जो अवयव है वो ई में है जो ई में अवयव है वो सी में है तो सी बराबर ई है अच्छा क्या सी और डी बराबर है नहीं देखो सी के अवयव डी में है

अपने उत्तर का औचित्य बताइए ठीक है सो so, पहले पार्ट में कहा गया एक्स शब्द अलॉय शब्द के अक्षरों का समुच्चय है, ठीक है ये मान लो बेटा ए समुच्चय है यहां पर ये ए समुच्चय है ठीक है या एक्स शब्द अच्छा एक्स समुच्चय है ए नहीं एक्स है यहां पर एक्स समुच्चय जो कि शब्द अलोय के अक्षरों का समुच्चय और बी समुच्चय जो शब्द लॉयल के अक्षरों का समुच्चय है ठीक है वैसे तो ये ए होना चाहिए एक्स पता नहीं कैसे दे रखा है चलो कोई नहीं एक्स एक्स रहने दो सो so, समुच्चय क्या होगा ये अलोय के अक्षरों का समुच्चय होगा अब अलोय में देखो कौन कौन से अक्षर है ए है एल है मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि रोस्टर रूप में आपको समुच्चय को रिपीट करके नहीं लिखना है एक बार लिख दिया एक बार लिखे रहने दो ठीक है तो दो बार एल आ रहा है बट अक्षर तो एल ही है ना ठीक है और क्या है ओ है और क्या है वाई है सो ये हो गया बेटा एक्स बी समुच्चय क्या है ये है लॉयल शब्द के अक्षरों का समुच्चय। तो यहां पर कौन कौन से अवयव है एल है ओ है वाई है और ए है एल पहले हम लिख चुके ठीक है अब देखो क्या दोनों समुच्चयों में बराबर अवयव हैं बेटा यहां पर देखिए समुच्चय x में a है तो समुच्चय b में b है समुच्चय x में l है तो b में भी है समुच्चय x में o है तो b में भी है समुच्चय x में y है तो b में भी है मतलब यहां पर ये यह कि समुच्चय x में जो अवयव है वो समुच्चय b में है और जो समुच्चय b में अवयव है वो समुच्चय x में है तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि x बराबर है b के अर्थात x और b समान समुच्चय हैं, ठीक है बेटा x और b समान समुच्चय हैं। अब आ जाओ दूसरे वाक पर सेकंड पार्ट में बच्चों बोला गया है कि a एक समुच्चय है सेकंड पार्ट पर आ जाइए यह तो था फर्स्ट पार्ट ठीक है यहां सेकंड पार्ट पर आ जाइए सेकंड पार्ट में बेटा ए समुच्चय है ए समुच्चय में एन संख्या है एन बिलोंग्स टू जेड है एंड एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू चार है ठीक है तो देखो क्या क्या अवय होंगे माइनस दो होगा बेटा माइनस एक होगा जीरो होगा एक होगा और दो होगा ये बेटा यहां पर समुच्चय ए में अवय हो जाएंगे अब समुच्चय बी में अवैध देखिए क्या होगा समुच्चय बी में कहा गया कि एक्स और एक्स बिलोंग्स टू आर है यानी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से और एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस दो बराबर जीरो है सो एक्स के कौन कौन से मान है जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं बेटा x बराबर एक और दो ठीक है अब यह देखोगे क्या a और b समान समुच्चय हैं भाई a समुच्चय में तो माइनस दो भी आ रहा है b में वो नहीं है इसका मतलब a और b समान नहीं है तो a नॉट इक्वल टू b हो जाएगा ठीक है सो पहले वाले पार्ट में तो समान समुच्चय हैं दूसरे वाले में समान नहीं है ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है ठीक है अब ऐसे ही क्वेश्चन बेटा एनसीआरटी प्रश्नावली एक पॉइंट दो में भी दे रखे हैं चलो मैं आपको उनके भी सॉल्यूशन करा देता हूं सो so, एनसीआरटी प्रश्नावली पॉइंट दो का पहला प्रश्न है यहां पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है आपको पहचानना है कि कौन सा रिक्त समुच्चय है ठीक है सो so, बच्चो यहां पर पहला है दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय आप मुझे ये बताइए कि क्या दो से भाज्य कोई विषम प्राकृत संख्या हो सकती है विषम संख्या क्या होती है जो दो से भाजक नहीं होती है उसी को हम विषम कहते हैं यहां पर कहा गया कि दो से भाज्य विषम पराकृ संख्या तो ये तो संभव ही नहीं है भाई मतलब इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा तो पहला जो है बेटा वो रिक्त समुच्चय है पहला बेटा रिक्त समुच्चय है ठीक है दूसरे वाले पर आ जाओ यहां पर कहा गया सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय अब सम अभाज्य संख्या बेटा केवल एक है और वो है दो ठीक है सो इसका मतलब ये रिक्त नहीं है ये है अरिक्त समुच्चय रिक्त नहीं है उसको हम अरिक्त समुच्चय कहेंगे अच्छा इसमें केवल एक अवयव है तो ये बेटा एकल समुच्चय है ठीक है तीसरे पार्ट पर आ जाओ तीसरे भाग में बोला गया है कि एक्स एक प्राकृत संख्या है एक्स पांच से कम है और साथ ही एक्स सात से बड़ी है अब आप मुझे यह बताइए कि ऐसी कोई प्राकृत संख्या है जो पांच से कम हो और सात से अधिक हो ऐसी बेटा कोई भी संख्या नहीं है सो इसका मतलब यह भी एक रिक्त समुच्चय है ठीक है अब आ जाओ चौथे भाग पर यहां पर कहा गई वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है बेटा कोई दो समांतर रेखाएं हैं अब क्या दो समांतर रेखाओं कोई को नहीं काटती है तो क्या इनका बिंदु हो सकता है नहीं हो सकता सो इसका मतलब यहां पर भी कोई बिंदु नहीं होगा अर्थात ये भी एक रिक्त समुच्चय होगा बस ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने है ऐसे आपको रिक्त समुच्चय के उदाहरण पहचानने तो पहला तीसरा चौथा रिक्त समुच्चय है दूसरा नहीं है दूसरा एकल समुच्चय है क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन सॉल्व ठीक है चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अगला प्रश्न है यहां पर हमें बताना है कि कौन समुच्चय परिमित है और कौन अपरिमित है ठीक है भाई इसका आंसर देते हैं अच्छा यहां पर पहला लिखा हुआ है वर्ष के महीनों का समुच्चय क्या बच्चों आप मुझे बता सकते हो कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं क्या बेटा आप मुझे ये बता सकते हो कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं बिल्कुल सर बता सकते हैं बारह महीने होते हैं तो आप गिन सके ना इसका मतलब ये परिमित है ठीक है दूसरा एक दो तीन चलता चला जा रहा है देखो तीन डॉट आ गए ना समझ जाओ क्या है अपरिमित ठीक है अगला क्या है एक दो तीन डॉट 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 निन्यानवे सौ क्या लिखा हुआ है एक से लेकर के सौ तक की प्राकृत संख्या लिखी है कितने है? है। सर मतलब ये सौ है ठीक है क्या है बेटा परिमित गिन सके परिमित है ना गिन सके अपरिमित ठीक है सौ से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय सौ से बड़े कितने पूर्णांक है सर अनंत है एक सौ एक है एक सौ दो है एक सौ तीन है एक सौ पांच है एक सौ सात है एक सौ आठ है एक सौ बारह एक सौ पचास एक सौ साठ एक सौ सत्तर सब कितने सारे हैं सर कितने गिने कितने गिने ठीक है गिनी नहीं सकते तो इसका मतलब ये भी एक परिमित समुच्चय है ठीक है परिमित है इसके बाद निन्यानवे से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय निन्यानवे से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय पांचवा देखिए बेटा निन्यानवे से छोटे अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं दो है तीन है पांच है सात है ग्यारह है तेरह है तेरह के बाद सत्रह है उन्नीस है तेईस है उनतीस है इकतीस है सैतीस है इकतालीस है तैतालीस है सैतालीस है त्रेपन है चौवन पचपन नहीं है छप्पन नहीं है सत्तावन नहीं है अट्ठावन नहीं है उनसठ उनसठ है ठीक है उनसठ के बाद साठ इकसठ इकसठ है बासठ नहीं है तिरसठ नहीं चौसठ नहीं पैंसठ नहीं छियासठ नहीं सरसठ अड़सठ उनहत्तर सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर चौहत्तर पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर उन्यासी अस्सी इक्यासी बयासी तिरासी चौरासी पचासी छियासी सत्तासी अठासी नवासी अपाज संख्या है ना नब्बे इक्कीनवे तेरह सात बिन में, त्रिन में त्रिन में, में भी है चौरन में में, 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 सौ हां हमें क्या चाहिए में से छोटे चाहिए थे ना तो ये बेटा हमारे पास आ गए। क्या गिन सकते हैं कितने भाई एक दो तीन चार पांच छः सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस भाई तेईस पच्चीस गिन सकते हैं भाई पच्चीस हैं तो इसका मतलब बेटा ये एक परिमित समुच्चय है गिन सके मतलब परिमित है ऐसे so, बच्चों आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था सिंपल यार जिन्हें गिन सके वो परिमित जिन्हें ना गिन सकें वो अपरिमित ठीक है चलिए अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पर अब प्रश्न क्रमांक तीन को बच्चों में आपको नहीं करा रहा हूं क्योंकि उसमें भी आपको यही पहचानना है कि कौन परिमित है कौन अपरिमित है so, उस क्वेश्चन को आप खुद से करिएगा कुछ प्रैक्टिस आपको भी तो करनी चाहिए ना सारे मैं नहीं कराऊंगा बेटा ठीक है चलिए आ जाओ प्रश्न क्रमांक चार पर यहां पर बच्चों आपको बताना है कि किसमें बराबर बी है किसमें नहीं है ठीक है चलो भाई सबसे पहले पार्ट में देखिए बेटा पहले भाग में देखिए देखो समुच्चय ए A में A है, क्या बी में है बिल्कुल है ए में बी है क्या बी में है बिल्कुल है ए में सी है क्या बी में है बिल्कुल है ए में डी है क्या बी में है बिल्कुल है मतलब समुच्चय ए में जो अभी बी में है जो बी में है वो ए में है तो पहले वाले पार्ट में तो बेटा ए बराबर बी हो जाएगा ठीक है आ जाओ दूसरे भाग पर इसमें देखिए यहां पर बेटा चार आठ बारह सोलह है वहां पर आठ चार सोलह अठारह देखो यहां पर चार है क्या वहां पर है बिल्कुल है यहां पर आठ है क्या यहां पर है बिल्कुल है यहां पर बारह है क्या वहां पर है नहीं देखो ए समुच्चय में बारह है पर बी में नहीं है मतलब ए बी के बराबर नहीं है सिंपल तीसरे वाले भाग में आ जाओ यहां पर देखो गया ए है दो चार 6 आठ दस यहां बी समुच्चय ये बेटा समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है इसको हम रोस्टर रूप में लिखते हैं ठीक है तो यहां पर देखो बी समुच्चय क्या बनेगा एक्स समन पूर्णांक है और एक्स दस से छोटा है बराबर है तो सब धन पूर्णांक कौन से हैं जो दस से छोटे या बराबर हो तो दो चार छ आठ दस है वो अब देखो क्या ये दोनों बराबर है दो यहां पर भी है वहां पर है चार वहां पर है छठ वहां पर है दस वहां पर है तो यहां पर बेटा ए बराबर में बी है ठीक है अच्छा अब आ जाओ चौथे भाग पर चौथे भाग में बेटा देखिए ए समुच्चय क्या है तो ये है ए समुच्चय एक्स संख्या दस का एक गुणज है एक्स क्या है दस का एक गुणज मतलब दस है बीस है तीस है चालीस है इस तरीके से है जबकि बी समुच्चय में क्या दिया गया है यह दिया गया है दस पंद्रह बीस पच्चीस तीस डॉट 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 यह बेटा मैं दे रखा है अब यहां पर देखिए बच्चों समुच्चय ए के तो समुच्चय बी में है परंतु समुच्चय बी के कुछ अवयव समुच्चय ए में नहीं है जैसे पंद्रह बेटा यह समुच्चय ए में नहीं हो सकता क्योंकि पंद्रह दस का गुणज नहीं है ठीक है सो इसका मतलब ये दोनों समान समुच्चय नहीं है ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा तो पहले और तीसरे तो समान समुच्चय हैं दूसरे और चौथे नहीं है ओके चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर प्रश्न क्रमांक पर प्रश्न क्रमांक को भी मैं आपको नहीं करा रहा हूं उससे भी आपको खुद से करना है अब देखते हैं हम एनसीआर एक पॉइंट दो का आखिरी क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक इस प्रश्न में बच्चों आपको नीचे दिए गए समुच्चयों में से समान समुच्चयों का चयन करना है आपको यह बताना है कि कौन कौन से समुच्चय समान है ठीक है तो देखो भाई ए में है दो चार आठ बारह बी में है एक दो तीन चार क्या ए बी के बराबर है नहीं क्योंकि देखो आठ यहां पर यहां पर नहीं है क्या सी के बराबर है देखो यहां पर मैं लिखते चलता हूं पहले हम ए की बात करें तो ए बेटा बी के बराबर नहीं है क्या ए सी के बराबर है तो ए सी के भी बराबर नहीं है क्योंकि यहां पर दो है यहां पर दो नहीं है क्या ए डी के बराबर है सोचो ए में दो है डी में दो है ए में चार है डी में चार है ए में आठ है डी में आठ नहीं है तो ए डी के भी बराबर नहीं है क्या ए ई e के बराबर है देखो ए में माइनस एक है ए में नहीं है तो ए ई e के बराबर भी नहीं है क्या ए एफ के बराबर है एफ में जीरो और ए है नहीं तो ए एफ के बराबर भी नहीं है क्या जी के बराबर है नहीं क्योंकि जी में माइनस एक है ए में नहीं है एक भी नहीं है क्या एच के बराबर है नहीं है। तो ए तो भाई किसी के भी बराबर नहीं है ठीक है बी पर आ जाओ ए के लिए तो देख ही चुके बी के लिए देखो क्या बी सी के बराबर है देखो एक यहां पर है यहां पर नहीं है तो नहीं है क्या बी डी के बराबर है यहां पर एक है यहां पर भी एक है देखो यहां पर दो है यहां पर भी दो है यहां पर तीन है यहां पर भी तीन है यहां पर चार है यहां पर भी चार है मतलब जो समुच्चय बी में अवयव है वही समुच्चय डी में है तो यहां पर बी बराबर में डी है ठीक है क्या बच्चों बी बराबर ई e है चेक करो बी में एक है ई e में भी है बी में दो है ई e में नहीं है तो बी नॉट इक्वल टू ई हो जाएगा क्या बी एफ के बराबर है एफ में जीरो है बी में नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है क्या बी जी के बराबर है भाई जी में माइनस एक है बी में नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है क्या बी एच के बराबर है एच में जीरो है बी में नहीं है तो ये भी बराबर नहीं है क्लियर अच्छा अब आ जाओ सी पर क्या बेटा सी डी के बराबर है नहीं क्योंकि आठ उधर है उधर नहीं है क्या ई e के बराबर है नहीं क्या सी एफ के बराबर है नहीं क्या सी जी के बराबर है नहीं क्या सी एच के बराबर है नहीं सर इतना जल्दी कैसे बता दिया यार ऐसे देख लो ना कि समुच्चय सी में चार अवयव हैं E, F, G, H में तो है ही नहीं चार है कहां से बराबर हो जाएंगे ठीक है सेम ऐसे देख लो अब डी को देख लो डी बेटा बी के बराबर तो आ चुका इसके अलावा ई एफ जी एच के बराबर हो ही नहीं सकता क्योंकि डी में चार है इनमें नहीं है चार तो डी नॉट इक्वल टू ई डी नॉट इक्वल टू एफ डी नॉट इक्वल टू जी डी नॉट इक्वल टू एच हो जाएगा ठीक है अच्छा अब आ जाओ ई पर तो देखो ई e में माइनस एक और एक है क्या एफ में है नहीं तो यहां पर हम लिख देंगे ई नॉट इक्वल टू एफ क्या ए e और जी बराबर है माइनस एक माइनस एक इधर भी है देखो माइनस एक इधर है माइनस एक इधर भी है एक इधर है एक इधर भी है तो इसका मतलब जो ए e में है वो जी में भी है तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ई e बराबर में जी है क्या ई e, एच के बराबर है यहां पर जीरो है वहां पर जीरो नहीं है तो ई नॉट इक्वल टू एच हो जाएगा ठीक है सेम ऐसे ही एफ देख लो तो एफ बेटा यहां पर जी के बराबर नहीं है क्योंकि जो एफ में है वो जी में नहीं है साथ में एफ जो है वो एच के बराबर भी नहीं है क्योंकि एफ में ए है जो एच में नहीं है ठीक है जी ई के बराबर आ गया जी बेटा एच के बराबर नहीं है क्लियर तो यहां पर देखो कौन कौन से समान समुच्चय आए समान समुच्चय आए बेटा एक तो आ गया बी बराबर में डी और एक हमारे पास आया यहां पर ई e बराबर में जी तो यहां पर दो ही समान समुच्चय हैं बी बराबर डी और ई e बराबर में जी ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था बेटा मैं आपको बता दूं कि ये ऐसे क्वेश्चन है ना जे में भी पूछे गए ठीक है वहां पर ऑप्शन में देते थे कि बताओ इनमें से कौन सा युग्म समान समुच्चय है ठीक है तो ऐसे आपको इन्हें सॉल्व करना है ओके, okay. सो so, ये थे बच्चों समुच्चयों के बहुत ही सिंपल से प्रकार अब उप समुच्चय जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं सबसेट्स। सबसे पहले तो बच्चों आपके दिमाग में भी एक ही क्वेश्चन चल रहा होगा कि उप समुच्चय क्या है देखो बेटा अभी तक आप लोगों ने समुच्चय के बारे में पढ़ा मैंने इसके नाम के आगे उप लगा दिया ठीक है अब एक शब्द बन गया उप समुच्चय तो so, उपसमुच्चय क्या होता है देखो यार आप लोगों ने अपने आसपास ऐसे काफी सारे नाम देखे होंगे जिनके आगे उप लगा होता है जैसे कि उप प्रधानमंत्री उपराष्ट्रपति उप कप्तान उपाध्यक्ष तो बेसिकली बेटा होता है क्या है कि जो बहुत बड़ा पद होता है ना जैसे प्रधानमंत्री का पद लगा लो तो उसके पास काफी सारी जिम्मेदारियां होती हैं अब सारी जिम्मेदारियां वह अकेला इंसान निभा तो सकता है बट फिर भी उसकी हेल्प के लिए कोई हो तो ज्यादा बेटर रहेगा तो उसकी हेल्प के लिए एक और पद होता है उप प्रधानमंत्री का ठीक है वो उसकी कुछ जिम्मेदारियों को संभाल लेता है ठीक है अब सेम ऐसे ही यहां पर भी एक समुच्चय होगा उस समुच्चय की कुछ जिम्मेदारियों को एक नया समुच्चय संभाल लेगा और उसको हम बोलेंगे उप समुच्चय ठीक है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक समुच्चय ए है समुच्चय ए में एक्स अवयव है और एक्स बेटा आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है एक्स आपके विद्यालय का आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है ठीक है बेटा ओके आपके समुच्चय में एक्स अवय है और एक्स आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है ठीक है अब मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक अन्य समुच्चय भी है इसमें भी बेटा एक्स अवयव है और ये जो एक्स है वो आपकी कक्षा का एक छात्र है आपकी कक्षा का एक छात्र है अब यहां पर देखिए बच्चों ये जो हमारे पास समुच्चय ए है ना इस समुच्चय ए में हमारे पास काफी सारे अवयव थे ये संग्रह काफी बड़ा था भाई इसमें आपके विद्यालय के सभी बच्चे मौजूद है अब चाहे वो क्लास वन का हो टू का हो थ्री का हो फाइव का हो सिक्स का हो सेवन का हो एट का हो टेन का हो इलेवन का हो ट्वेल्व का हो किसी भी क्लास का हो ठीक है तो यहां पर सभी विद्यार्थी हैं। अब मैंने क्या किया मेरे को जाना है किसी स्पेशल कक्षा में तो मैंने इसके छोटे छोटे संग्रह बना दिए उस संग्रह में एक संग्रह ये है, जिसमें आपकी कक्षा का एक छात्र या विद्यार्थी है ठीक है सो बेसिकली ये जो बेटा समुच्चय बी बनाया ना ये समुच्चय बी समुच्चय ए के कुछ अवयवों को लेकर के ही बनाया गया है ठीक है बच्चों इस समुच्चय बी को हम इस समुच्चय ए का उपसमुच्चय कहते हैं ठीक है समझ में आया होता है भाई मैंने समुच्चय के कुछ को लेकर के एक नया समुच्चय बना दिया तो उस नए समुच्चय को हम पहले वाले समुच्चय का उप समुच्चय कहेंगे ठीक है सो बेटा जी उप की परिभाषा होती है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है तो समुच्चय ए बी का उपसमुच्चय कहलाता है और इसे बच्चों हम इस प्रतीक से दर्शाते हैं ए यहां पर ये जो सी लिखा है ना इस सी का मतलब बेटा कि ये उपसमुच्चय है उपसमुच्चय है ठीक है अच्छा बच्चों यदि इस तरीके का प्रतीक लिखा हो तो इसका मतलब है कि उपसमुच्चय नहीं है उपसमुच्चय नहीं है ठीक है जैसे उदाहरण के तौर पर बेटा मान लीजिए बच्चों हमारे पास कोई ए है जिसमें अवयव हैं एक तीन दो पांच एक समुच्चय बी है इसमें अवयव हैं एक दो तीन चार पांच छ सात और आठ ठीक है अब यहां पर बच्चों देखिए कि जो समुच्चय ए में अवयव है वो बी में भी है समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है देखो भाई एक इधर भी है दो इधर भी है तीन भी इधर है पांच भी बेटा इधर है तो समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं वो सारे समुच्चय बी के अंदर पहले से मौजूद हैं तो इस केस में बेटा हम ए को बी का उपसमुच्चय कहेंगे यहां पर ए उपसमुच्चय हो जाएगा बी का इस तरीके से बच्चों इसको हम लिख देंगे ठीक है अच्छा मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक डी समुच्चय है इसमें अवयव है एक दो दस पांच ठीक है अब यहां पर देखो बेटा समुच्चय डी का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में नहीं है क्योंकि दस डी में तो है बट बी में नहीं है So, इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि डी बी का उपसमुच्चय नहीं है सिंपल so, उपसमुच्चय कब होगा जब समुच्चय का प्रत्येक अवयव इस समुच्चय में मौजूद होगा तो बेटा वो उपसमुच्चय होगा यदि कोई भी एक ऐसा अवयव हो जो मौजूद ना हो तो बेटा वो उपसमुच्चय समुच्चय नहीं होगा ठीक है चलिए और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं जैसे मान लीजिए बेटा हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है एक दो पाँच चार ठीक है एक समुच्चय बी है इसमें अवयव है एक दो तीन चार पाँच ठीक है अब यहाँ पर यह देखो बेटा कि समुच्चय ए में जो भी अवयव हैं क्या वो समुच्चय बी में हैं भाई एक यहाँ पर है यहां पर भी है तो यहां पर यहां पर भी है पांच यहां पर है यहां पर भी है चार यहां पर है यहां पर भी है मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी में है, इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि ए समुचे है बी के, ठीक है? अच्छा इसके अलावा और देखो मान लो बेटा ए समुच्चय में अवयव है एक दो तीन बी समुच्चय में अवयव है एक दो तीन चार और सी समुच्चय में अवयव है चार और पांच ठीक है अब यहां पर देखो बेटा ए समुच्चय में जो भी अवयव है वो बी समुच्चय में भी है सो इसका मतलब हम यहां पर लिख सकते हैं कि समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय है इसी प्रकार समुच्चय सी में जो अवयव है वो भी बच्चों समुच्चय बी में है तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि समुच्चय सी समुच्चय बी का एक उपसमुच्चय है साथ में बच्चों एक चीज और देखिए कि सी में जो अवयव है वो ए में नहीं है जो ए में अवयव है वो सी में नहीं है मतलब ना तो ए सी का उपसमुच्चय है ना सी ए का उपसमुच्चय है और सी और ए बेटा बराबर भी नहीं है सिंपल ओके अच्छा तो ऐसे हम बताते हैं कि कोई समुच्चय किसी दूसरे समुच्चय का उप समुच्चय है या नहीं अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई समुच्चय ए है जिसमें अवयव है एक दो तीन हमारे पास एक समुच्चय बी है जिसमें कोई भी अवयव नहीं है रिक्त समुच्चय है ठीक है कोई भी अवयव नहीं है अब बेटा इस केस में समुच्चय बी समुच्चय ए का एक उप समुच्चय होगा देखो मैं आपको इसको ऐसे समझाता हूं मान लीजिए आपके पास एक थैला है और उस थैले में काफी सारी चीजें रखी हुई हैं ठीक है जैसे मान लीजिए आपके पास बेटा एक बैग है इस बैग में आपके पास काफी शर्ट है ठीक है आपके पास रेड कलर की शर्ट है ब्लू कलर की शर्ट है वाइट कलर की शर्ट है ठीक है अब मान लीजिए आप गर्मियों की छुट्टियों में अपने किसी मेहम रिश्तेदार के घर पर जाते हो घूमने के लिए ठीक है अब आप इनमें से कोई एक सेट लेके जाओगे या दो सेट लेके जाओगे या तीनों को ले जाओगे या ऐसा भी हो सकता है कि आप खाली हाथ चले जाओ जा सकते हैं ना भाई खाली हाथ खाली हाथ भी तो जा सकते हैं ना तो बेटा ये भी इसी से बनाया गया है ठीक है तो यहां पर बच्चों ये जो बी होगा ये एक उपसमुच्चय होगा ठीक है यह बात बच्चों आपको ध्यान में रखनी है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है आप चाहे तो इस बात को नोट करके भी लिख सकते हो एनओ -E. नोट डाल के लिखिए बेटा कि रिक्त समुच्चय रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है ठीक है रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का एक उपसमुच्चय होता है ओके बेटा अच्छा इसके बाद और एग्जाम्पल देखो मान लीजिए बेटा हमारे पास समुच्चय ए है इसमें अवयव है एक तीन दो हमारे पास समुच्चय बी है इसमें अवयव एक दो तीन अब यहां पर देखो बेटा समुच्चय ए में जो भी अवयव है वो समुच्चय बी में भी, जो भी है, जीज़ 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 है तो यहां पर भी बच्चों समुच्चय ए समुच्चय बी का उपसमुच्चय है साथ में यह भी देखिए कि समुच्चय बी में जो है वो समुच्चय ए में भी है मतलब यहां पर बी भी ए का उपसमुच्चय है ठीक है और यदि बेटा ए उपसमुच्चय बी हो और बी उपसमुच हो तो इसका तात्पर्य होता है ए बराबर में बी आप देख लो यहां पर दोनों समुच्चय समान है ठीक है अच्छा इसका बेटा ये एक उपसमुच्चय है अर्थात ये हुआ कि कोई समुच्चय ए स्वयं का एक उपसमुच्चय भी होता है ठीक है क्लियर अच्छा अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं उपसमुच्चयों की संख्या के बारे में उपसमुच्चयों की संख्या कि कितने किसी समुच्चय के कितने उपसमुच्चय बन सकते हैं ठीक है सो मान लीजिए बच्चों हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव है एक दो तीन अब देखो इसके कितने बन सकते हैं आप बेटा ऐसे समझिए कि आपके पास तीन वस्तुएं हैं आपको इन तीन वस्तुओं में से वस्तुओं का चयन करना है तो आप कितने तरीकों से कर सकते हो ठीक है देखो हो सकता है कोई बच्चा कहेगा कि मैं कुछ भी ना लूं जैसे मान लीजिए आपकी क्लासरूम में मैंने एक टेबल के ऊपर तीन पेन रखे हैं ठीक है अब मैं आप लोगों को बुलाता हूं और कहता हूं कि यार तुम्हें जो चाहिए वो तुम ले सकते हो ठीक है अच्छा अब कोई बच्चा खड़ा होकर आएगा पहले वो कहेगा सर मुझे कुछ नहीं चाहिए वो खाली हाथ चला जाएगा मतलब एक तो हो गया रिक्त ठीक है अब हो सकता है कोई दूसरा बच्चा आए वो रेड कलर का पेन उठा ले ठीक है मतलब किसी ने एक ले लिया कोई दूसरा वाला पेन उठा ले मतलब किसी ने दो ले लिया कोई तीसरा वाला पेन उठा ले किसी ने तीन ले लिया अब कोई बच्चा ऐसा भी होगा जो एक की जगह पर दो पेनों को उठाएगा ठीक है सो वो भी बेटा एक समुच्चय बन जाएगा अब हो सकता है कि वो एक को दो ले हो सकता है वो एक और तीन को ले या हो सकता है वो दो और तीन को ले या फिर कोई बच्चा होगा जो तीनों की तीनों को उठा लेगा उससे बन जाएगा एक दो तीन अच्छा बच्चों ध्यान दीजिए यहां पर हम एक तीन दो नहीं लिख सकते क्योंकि सेम ही चीज है यार अलग चीज नहीं है साथ में यहां पर एक कोमा दो लिखा दो कॉमा एक नहीं ले सकते क्योंकि बेटा सेम ही बात है इसलिए ठीक है अब यहां पर देखो कितने समुच्चय बने ये? एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो उप की संख्या कितनी होगी बेटा आठ अब यहां इस समुच्चय में कितने अवयव थे बच्चों तीन अवयव थे कितने अवयव थे बेटा तीन ठीक है अच्छा एक और एग्जाम्पल लेते हैं मान लीजिए एक समुच्चय भी है इसमें अवयव हैं एक और दो अब देखो इसके कितने बनेंगे तो अगेन वही सबसे पहले रिक्त समुच्चय भाई कुछ भी नहीं लिया फिर एक लिया दो लिया और फिर दोनों को ले लिया तो टोटल कितने बन गए चार यहां पर कितने थे दो ठीक है सो so, इसका अर्थ बच्चों ये हुआ कि यदि किसी समुच्चय में एन अवयव हैं, तो उसके अप, उप समुच्चयों की संख्या होगी दो की घात एन ठीक है बेटा कितने हो जाएगी दो की घात एन तो इस चीज को भी आप यहां पे लिख लीजिए कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या अवयवों की संख्या बराबर है एन के सो इसके उपसमुच्चयों इसके उपसमुच्चयों की संख्या बराबर होगी दो की घात एन के ठीक है ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है ओके क्लियर बेटा अच्छा बच्चों एक बार फिर से देखिए मान लो बेटा हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसमें अवयव हैं एक दो तीन चार अब देखो इसके कितने उपसमुचे बन सकते हैं देखो हमें मालूम है यहां पर चार वे वे, तो दो की घात चार सोलह बनने चाहिए अब कौन कौन से होंगे बेटा देखो कैसे हम किसी समुच्चय के उपसमुचय का निर्माण करते हैं सबसे पहले तो आप लग दो रिक्त ठीक है अब इसके बाद इन चार में से आप एक एक करके चयन करिए तो पहले एक ले लिया दो ले लिया तीन ले लिया चार ले लिया अब दो दो का चयन करिए एक दो हो गया एक तीन हो गया एक चार हो गया दो तीन हो गया दो चार हो गया और तीन चार हो गया दो का चयन कर लिया अब तीन का चयन करो तो तीन का चयन होगा एक दो तीन एक दो चार दो तीन चार ये हो गया भाई तीन का चयन ठीक है अब चार का चयन कर लो तो चार का हो जाएगा एक दो तीन चार गिनो भाई टोटल कितने हैं तो एक दो तीन चार पांच छ सात आठ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह अच्छा एक कोई रह गया पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह अच्छा एक यहां पर रह गया है एक दो तीन एक दो चार एक तीन चार रह गया ठीक है एक तीन चार और रह गया था एक तीन चार और फिर एक दो तीन चार तो ये बेटा हमारे पास सोलह उपसमुच्चय बन जाएंगे ठीक है देख लो सभी इसके उपसमुच्चय हैं सो ऐसे बेटा हम किसी समुच्चय के उपसमुच्चयों की सूची बनाते हैं ठीक है यह आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी समुच्चय में एन अवयव हैं, तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या होगी दो की घात एन ओके चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं उचित उपसमुच्चय और और समुच्चय के बारे में कि ये क्या होते हैं अब मान लीजिए बेटा हमारे पास कोई समुच्चय ए है इसमें अवयव है ए बी और सी इसके बेटा मुझे उपसमुच्चय बनाने सो उपसमुच्चय देखिए क्या होंगे एक रिक्त होगा ए बनेगा बी बनेगा सी बनेगा ए कॉमा बी होगा ए कॉमा सी होगा बी कॉमा सी होगा और एक बन जाएगा ए बी सी ठीक है अब देखो बेटा यहां पर टोटल हमारे पास आठ उपसमुच बने ठीक है अब बेटा ये जो आठवा उप बना ये एक्चुअलिटी में इसी समुच्चय ए के बराबर है ठीक है अगर बच्चों मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास जो शेष सात उपसमुच्चे बनेंगे जो सात समुच्चय बनेंगे वो बेटा इसके कुछ अवयवों को लेकर के बनाए गए होंगे सभी को नहीं लिया कुछ को लेकर के बनाए गए ठीक है तो इन समुच्चयों को बच्चों बोलते हैं इस ए के उचित उप समुचय यह उचित है भाई बराबर वाला नहीं है ठीक है अगर हम बराबर वाले को कंसीडर ना करें तो से जितने भी उप समुच्चय वो इसके उचित उप समुच्चय कहलाएंगे ठीक है यदि बेटा ये सम्मिलित ना किया जाए तो ठीक है तो यहां पर हम लिख सकते हैं उचित उपसमुचियों की संख्या उचित उपसमुचियों की संख्या देखो टोटल बन रहे हैं दो की घात एन उनमें से एक को शामिल नहीं करना तो ये हो जाएगी उचित उपसमुच्चयों की संख्या ओके बेटा उचित उप की संख्या हो जाएगी ठीक है अच्छा अब देखो समुच्चय क्या होता है तो मान लीजिए बेटा, हमारे पास कोई A है जिसमें अवयव है, है, है एक दो तीन चार पांच अब यहां पर देखिए समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में मौजूद हैं तो यहां पर बेटा ए जो है वो बी का एक उपसमुच्चय है ठीक है और बच्चों बी को हम ए का अधि समुच्चय कहते हैं ठीक है यहां पर बेटा हम बी को ए का अधि समुच्चय यानी सुपरसेट कहते हैं यह होता है अधि समुच्चय। बच्चे अक्सर इनमें कंफ्यूज रहते हैं कि अधिसमुच्छे क्या होता है तो बेटा समुच्चय ए जिसका उपसमुच है ना उसको हम अधिसुच्च कहेंगे सुपर सेट कहेंगे ठीक है और उचित उपसमुच क्या होता है तो उचित उप बेटा वो उपसमुच होते हैं जो जिस समुच्चय के बनाए गए हैं ना उसके बराबर नहीं है बराबर वाले को हटा दें तो से जितने भी उपसमुच्चय वो उचित उपसमुच्चय की कैटेगरी में आते हैं ठीक है सो ये उचित उपसमुच्चयों की संख्या हो जाएगी क्लियर बेटा यहां पर तीन थे तो सात उचित उपसमुच्चय हो गए ओके क्लियर चलिए अब इसके बाद यहां पर हम एक उदाहरण देखते हैं नीचे लिखे पर विचार कीजिए यहां पर बच्चों आपको बताना है कि किसमें इन प्रतीकों का प्रयोग हो मतलब कौन उपसमुच्चय है कौन नहीं है ठीक है सो पहला है फाई बी क्या बेटा फाई बी का उपसमुच्चय होता है फाइ यानी कि रिक्त समुच्चय क्या रिक्त समुच्चय बी का उपसमुच्चय है बच्चों मैंने आपको बताया ना कि रिक्त समुच्चय तो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है तो यहां पर बेटा ये आ जाएगा ठीक है दूसरे कलर से दर्शा रहा हूं यहां पर बच्चों प्रतीक आ जाएगा ठीक है यहां पर आ जाओ क्या ए बी का उपसमुच्चय है देखो क्या ए बी का उपसमुचय भाई A में अवयव एक तीन बच्चों तीन ए में तो है पर B में है. आगे 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 बी में नहीं है तो मतलब ए B का प्रत्येक अवयव बी में नहीं है सो इसका मतलब का उपसमुच्चय नहीं है है ठीक क्या ए सी का उपसमुच्चय है देखो ए में एक है सी में भी एक तीन ए में है तीन सी में भी है मतलब समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव सी में है तो ए सी का उपसमुच्चय है क्या बी सी का उप समुच्चय है देखो एक पांच नो यहां पर आ रहा है एक पांच नो यहां पर भी है तो समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव सी का भी अवयव है तो बी भी, भी सी का उप समुच्चय बन जाएगा ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है ओके चलिए अब चलते हैं बेटा हम अगले प्रश्न पर सॉरी अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय ठीक है अब बेटा आप सबने संख्याओं का परिवार पहले पढ़ रखा है संख्याओं के परिवार से आप भली बात परिचित हो मैंने बेटा पहले आपको गणतीय समुच्चयों के बारे में बताया था वहां पर मैंने आपको प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पूर्ण संख्याओं का समुच्चय पूर्णांकों का समुच्चय परमे संख्याओं का समुच्चय अपरमेय संख्याओं का समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय इन सब के बारे में बताया था ठीक है अच्छा यदि आप वास्तविक संख्याओं के परिवार से अच्छी बालती परिचित है तो मुझे यह बताइए कि मुखिया कौन होता है इनका मुखिया होता है वास्तविक संख्याएं ठीक है इसके बेटा दो भाग होते हैं परमे और अपरमे परमे को क्यू से दर्शाते हैं परमे को क्यूसी से ठीक है अब परमे के अंदर ही आती हैं भिन्न संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं मतलब आई या जेड ठीक है अब आई या जेड के भी बेटा तीन पार्ट होते हैं एक होता है आई प्लस एक होता है आई माइनस और एक होता है शून्य ठीक है फिर इसके बाद आती है इसी में आती है बेटा होल नंबर और इसी में आते हैं बेटा फिर नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या ऐसे कुछ चलता है प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है ये होती है बेटा एक दो तीन डॉट 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 पूर्ण संख्याएं होती हैं जीरो से स्टार्ट जीरो एक दो तीन डॉट 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 जीरो तो जीरो है ये होती है ऋणात्मक वाली डॉट 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 माइनस तीन माइनस दो माइनस एक ये धनात्मक वाली होती है एक दो तीन डॉट 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 ठीक है यहाँ पर सब कुछ आ जाता है उसके अलावा भिन्न अलग है यहाँ परमें संख्याओं में जिन्हें पीवटे क्यों के रूप में लिख सकते हैं क्यूसी जिन्हें बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते और वास्तविक संख्याओं में तो सब कुछ आ ही जाती है ठीक है अब यहां पर देखो बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है क्या यह बात सही है नहीं सर बिल्कुल सही बात है प्रत्येक प्राकृत संख्या वास्तविक संख्या होती है पर क्या प्रत्येक वास्तविक संख्या प्राकृत संख्या होती है नहीं इसका मतलब यह हुआ कि एन आर का एक उपसमुच्चय है ठीक है सेम ऐसे बच्चों प्रत्येक पूर्ण संख्या भी वास्तविक संख्या होती है तो कह सकते हैं कि भी आर का एक उपसमुच्चय है। इसी प्रकार प्रत्येक पूर्णांक संख्या भी वास्तविक संख्या होती है तो आई या जेड भी वास्तविक संख्याओं का एक उपसमुच्चय है ठीक है प्रत्येक परमे संख्या भी एक वास्तविक संख्या होती है तो क्यू भी आर का एक उपसमुच्चय है संख्या होती है तो यह भी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है इसका मतलब एन जो है वो डब्लू का एक उपसमुच्चय है प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्णांक भी होती है तो इसका मतलब एन या जेड का भी उपसमुच्चय है प्रत्येक प्राकृत संख्या परमे संख्या होती है मतलब एन क्यू का भी एक उपसमुच्चय है ठीक है अच्छा प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक होती है तो इसका मतलब डब्लू है प्रत्येक पूर्ण संख्या परमे संख्या होती है तो डब्लू बेटा क्यू का भी एक उपसमुच्चय है और प्रत्येक पूर्णांक पर संख्या होती है इसका अर्थ है कि आई या जेड भी क्यू का उपसमुच्चय है चलिए बच्चों इन सबको मैं कंबाइन करके लिखता हूं तो ये बेटा हमारे पास बनेगा एन उपसमुच्चय है डब्लू का ये उपसमुच्चय है आई का ये उपसमुच्चय है परिमेय संख्याओं का और ये उपसमुच्चय है वास्तविक संख्याओं का ये बेटा यहां पर बन जाएगा इसके अलावा क्यू सी ये भी उपसमुच्चय है R का तो ये बेटा वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय हैं क्लियर बच्चों वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उपसमुच्चय हैं ओके समझ में आ गया बेटा सभी को चलिए अब इसके बाद चलते बच्चों अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है बेटा अंतराल के उपसमुच्चय के रूप में ठीक है यहां तक सबको समझ में आ गया बताइए बेटा मुझे एक बार आप सब यहां तक आप सबको समझ में आ गया ना अच्छे से बताइए बच्चों मुझे क्लियर है चलिए अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अंतराल आर के उप समुच्चय के रूप में ठीक है अब बच्चों मैं आपको अंतराल यानी इंटरवल के बारे में बताता हूं ठीक है ध्यान से समझिएगा बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये टॉपिक आपको ग्यारहवीं में भी काम आएगा बारहवीं में भी काम आएगा और आगे की पढ़ाई में भी काम आएगा ठीक है ध्यान से समझिएगा अच्छा बच्चों सबसे पहले तो बेटा अंतराल के आप प्रकार देखिए अंतराल के प्रकार कौन कौन से होते हैं अंतराल के होते हैं बच्चों तीन प्रकार एक होता है खुला अंतराल एक होता है बंद अंतराल क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल ठीक है एक होता है अर्ध खुला अर्द बंद, अंतराल ठीक है ये बच्चों तीन प्रकार के अंतराल होते हैं अर्ध खुला अर्धबंद बंद, बंद अंतराल और खुला अंतराल ठीक है अब क्या होते हैं बेटा इनके बारे में हमें जानना है इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं ओपन इंटरवल इसको हम बोलते हैं क्लोज इंटरवल इसको हम बोलते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल ठीक है अच्छा अब देखो मतलब क्या है इनका भाई खुले और बंद का मतलब क्या है ये मैं आपको बच्चों समझाता हूं अब मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स है अब एक्स का मान एक्स का मान माइनस एक से एक के बीच में है ये बच्चों मुझे दर्शाना है कि भाई एक्स का मान है यह माइनस एक से एक के बीच में इसको हमें दर्शाना है कैसे दर्शाएंगे बेटा सबसे पहले देखो वास्तविक संख्या रेखा पर माइनस एक और एक होंगे कहां तो माइनस एक ही होगा एक ये होगा ठीक है आप बेटा एक पल के लिए मान लीजिए कि माइनस एक और एक ये शामिल नहीं है ठीक है शामिल नहीं है शामिल नहीं है तो इसलिए मैं यहां पर इस तरीके का एक होल बना देता हूं इसका मतलब है कि माइनस एक और एक ये शामिल नहीं है ठीक है अच्छा एक्स का मान इनके बीच में है ये बच्चों अब मुझे दर्शाना है सो मैं देखो कैसे दर्शाऊंगा माइनस एक से एक के बीच है ठीक है माइनस एक भी शामिल नहीं है एक भी शामिल नहीं है बेटा जब शामिल नहीं है तो उसको हम इस तरीके के ब्रैकेट से दर्शाएंगे ये स्टार्टिंग का होता है ये एंड का होता है ठीक है यदि ये जो स्टार्टिंग वाला पॉइंट है ये भी शामिल नहीं है तो ये दर्शाएंगे यदि एंड वाला पॉइंट भी शामिल नहीं है तो फिर हम ये वाला दर्शाएंगे ठीक है जैसे यहां पर ये दोनों शामिल नहीं है वाला प्रतीक लगा देंगे ठीक है अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं कि माइनस एक और एक ये दोनों शामिल हैं, शामिल हैं बेटा तो उस केस में आपको ये वाला प्रतीक okay. लगाना है यदि स्टार्टिंग वाला शामिल है तो ये वाला लगाना है यदि एंड वाला शामिल है तो आपको ये वाला प्रतीक लगाना है ठीक है जैसे ये शामिल है अब शामिल के केस में क्या करेंगे जैसे मान लो माइनस एक यहां पर है एक यहां पर है तो so, शामिल के केस में बच्चों में यहां पर ऐसे शामिल के केस में बेटा हम यहां पर ऐसे डॉट लगा देंगे ठीक है भाई शामिल के केस में बेटा हम यहां पर ऐसे डॉट लगा देंगे ओके okay. अब माइनस एक और एक दोनों शामिल हैं तो इसको हम लिखेंगे इस तरीके से ठीक है अब मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरीके से है माइनस एक तो शामिल है बट एक शामिल नहीं है अर्थात माइनस एक शामिल है और एक शामिल नहीं है ठीक है सो so, सबसे पहले तो आपको लिखना माइनस एक कॉमा एक माइनस एक बेटा शामिल है शामिल का चिन्ह होता ये, स्टार्टिंग वाला शामिल है तो ये वाला चिन्ह लगा दो एंड वाला शामिल नहीं है एंड वाले का प्रतीक ये है ये लगा दो ठीक है अच्छा ऐसा भी संभव है कि माइनस एक और एक में माइनस एक तो शामिल नहीं है बट एक शामिल है यह भी बेटा यहां पर बन सकता है ठीक है अच्छा अब यहां पर देखिए बच्चों माइनस एक शामिल नहीं है शामिल नहीं है तो उसके लिए ये वाला प्रतीक लगेगा स्टार्टिंग के लिए ये वाला लगेगा तो हो गया माइनस का एक कौमा एक अब एक शामिल है शामिल के लिए बेटा ये वाला प्रतीक लगेगा तो ये हो जाएगा ठीक है तो यहां पर आप देख रहे हो कि चार केस हमें बच्चों मिले ये चार अलग अलग केस बच्चों में यहां पर मिले हैं ठीक है सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर बेटा ये दोनों ही तरफ से खुला हुआ है क्या है ये दोनों ही तरफ से खुला हुआ है दोनों ही शामिल नहीं है दोनों ही अंत बिंदु शामिल नहीं है तो इस वाले अंतराल को बच्चों बोलते हैं खुला अंतराल ठीक है उसे बच्चों में खुला अंतराल बोलते हैं यहां पर दोनों शामिल हैं दोनों तरफ से बंद है तो इसको बेटा हम बंद अंतराल कहते हैं ठीक है? और ये और ये एक तरफ से तो शामिल एक तरफ से तो खुले हैं एक तरफ से बंद है तो इनको बेटा हम अर्ध खुला अर्ध बंद अंतराल कहते हैं ओके आ गया समझ में सभी बच्चों को ठीक है बेटा तो ये हमारे पास चार प्रकार के अंतराल जिनमें से दो ये आते हैं इस कैटेगरी में एक है खुला अंतराल और एक है बंद अंतराल ओके मतलब बच्चों मैं आपको समझा देता हूं ठीक है सो सबसे पहले लिखिए आप बंद अंतराल है बंद अंतराल में लिखिए यदि ए और बी दोनों दोनों एक्स के हल समुच्चय में शामिल हो यदि ए और बी दोनों एक्स के हल समुच्चय में शामिल हो ठीक है दोनों की दोनों बेटा एक्स के हल समुच्चय में हैं, मतलब ए और बी दोनों एक्स के मान है ठीक है तो इसका अर्थ ये हुआ कि मान लो ए यहां कहीं है बी यहां कहीं है दोनों पर लगेगा बेटा डॉट ठीक है दोनों पर बच्चों डॉट लगेगा सो so, इस केस में बच्चों इसको हम लिखेंगे बंद समुच्चय ए से बंद सॉरी बंद अंतराल ए से बंद अंतराल बी में लिखेंगे इसको बेटा हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है so, सो ये होता है बेटा बंद अंतराल जब दोनों ही अंत बिंदु हल समुच्चय में शामिल हो तब क्लियर उसको बच्चों हम इस तरीके से लिख देंगे ठीक है बेटा अच्छा इसके बाद दूसरा था अंतराल अब खुले अंतराल में बेटा ए और बी दोनों ही शामिल नहीं होंगे ठीक है यदि ए और बी दोनों एक्स के हल समुच्चय में शामिल नहीं हो यह बेटा दोनों के दोनों ही शामिल नहीं है मतलब एक लाइन ऐसे है यहां पर ए है यहां पर ए है यहां पर बी है ना ए शामिल है ना बी शामिल है ठीक है So, इस केस में बच्चों इसको हम लिखेंगे ओपन इंटरवल ए से ओपन इंटरवल बी इस तरीके से बेटा इसको हम यहां पर लिखेंगे क्लियर बच्चों ऐसे बेटा इसको लिखेंगे तो ये हो गया बेटा खुला अंतराल और तीसरा है अर्ध खुला आर्द बंद अंतराल वैसे बच्चों आपको है ना इन दोनों के कुछ अलग नाम भी किताब में मिल सकते हैं इसका आपको संवर्त अंतराल मिल सकता है इसका आपको विवर्त अंतराल मिल सकता है ठीक है अब उन नामों को मैं इसलिए नहीं लिखा रहा क्योंकि उनको याद करने में बच्चों को दिक्कतें होती है ठीक है सो आप इन नामों को याद रख लीजिए बद अंतराल खुलांतराल ये याद करने में आसानी होती है इनको ठीक है ओके अच्छा अब देखो अर्ध खुला अर्धबंध क्या होता है तो एक शामिल हो एक शामिल ना हो एक शामिल हो एक ना हो तो वो अर्ध खुला अर्ध बंद हो जाता है इसके दो टाइप हैं, जैसे मान लो ये ए है ये बी है ए है बी है मान लीजिए ए तो शामिल है बी शामिल नहीं है या ए शामिल नहीं है बी शामिल है तो ये बेटा अर्ध खुला अर्ध बंद हो जाता है ठीक है यहां शामिल है शामिल है तो इस चिन्ह का प्रयोग कर लो शामिल नहीं है तो इसका प्रयोग कर लो यहां शामिल नहीं है इसका प्रयोग कर लो शामिल है तो इसका प्रयोग कर लो ठीक है तो ये होते हैं बच्चों हमारे अंतराल ओके बेटा अच्छा अब इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर अगला टॉपिक है घास समुच्चय वैसे बेटा ये टॉपिक है ना न्यू एन में नहीं दे रखा है बट फिर भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूं ठीक है अब देखो घास समुच्चय क्या होता है बच्चों मान लो हमारे पास कोई समुच्चय ए है समुच्चय ए में अवयव है एक दो तीन चलिए आप इसके उपचो की सूची बनाइए ठीक है देखो इसके क्या क्या बनेंगे रिक्त बनेगा एक तो फिर एक भाई आज की क्लास में ना जाने कितनी बार निकलवाए ये तो अब तो आना चाहिए ये एक दो बनेगा ये होगा एक तीन होगा दो तीन और ये हो जाएगा एक दो तीन ये बेटा हमारे उप समुचय बन जाएंगे इस समुच्चय के अब यदि बच्चों में इन उप समुचों को भी एक समुच्चय में कैद कर दूं मतलब इनका भी मैं एक समुच्चय बना दूं तो इस समुच्चय को बेटा हम इस समुच्चय ए का घास समुच्चय कहते हैं और इसको बेटा हम पी ऑफ ए से व्यक्त करते हैं देखो घात समुच्चय को हमने क्या बोला इंग्लिश में पावर सेट तो पावर में स्टार्टिंग से पी लिया ठीक है तो इसको पी ऑफ ए से बिटा व्यक्त कर दिया ये होता है किसी समुच्चय का घात समुच्चय ठीक है तो घात समुच्चय की परिभाषा क्या हो जाएगी किसी समुच्चय ए के किसी समुच्चय ए के सभी संभव उपसमुच्चय सभी संभव उपसमुच्चयों को लेकर बनाया गया बनाया गया समुच्चय ही समुच्चय ही समुच्चय ए का समुच्चय ए का घात समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है ठीक है बेटा और इसे हम इसे हम P ऑफ A से दर्शाते हैं ठीक है इसको बच्चों हम P ऑफ A से दर्शाते हैं ये होता है बेटा घात समुच्चय क्लियर अच्छा अब देखो बेटा किसी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए भाई अवयवों की संख्या सर जितने समुच्चय के उपसमुच्चय बनेंगे उतनी होगी ना भाई अवयवों की संख्या तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या बेटा बराबर हो जाएगी दो की घात एन के यदि किसी समुच्चय ए में एन अवयव है तो उसके घात समुच्चय में अवयवों की संख्या दो की घात एन होगी ओके क्लियर चलिए अब इसके बाद हम बात करते हैं सार्वत्रिक समुच्चय के बारे में यूनिवर्सल सेट के बारे में अब देखो सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है तो यह बेटा एक ऐसा समुच्चय होता है देखो सार्वत्रिक का मतलब क्या होता है यूनिवर्सल का मतलब तो यूनिवर्सल जिसमें सब कुछ है, समाहित है ठीक है सब कुछ समाहित है हमारी धरती भी समाहित है यूनिवर्स यूनिवर्स में, उसको बोलते हैं ना भाई तो सेम उसी तरीके से सार्वत्रिक समुच्चय भी एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें सब कुछ समाहित है समाहित का मतलब जिसके सभी उप समुच्चय है ठीक है तो इसकी परिभाषा हो जाएगी एक ऐसा समुच्चय एक ऐसा समुच्चय जिसके अन्य सभी जिसके अन्य सभी उपसमुच्चय हों हो हों हो सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है ठीक है बेटा और इसे हम से U से व्यक्त करते हैं कैपिटल U से व्यक्त करते हैं ठीक है बच्चों, इसे हम U से व्यक्त करते हैं जैसे हम वास्तविक संख्याओं के समुच्चय की बात करें तो वास्तविक संख्याओं का समुच्चय एक ऐसा समुच्चय है जिसके अन्य सभी संख्याओं के समुच्चय उपसमुच्चय हैं तो वास्तविक संख्या का समुच्चय क्या है सार्वत्रिक समुच्चय है क्लियर ओके सो ये तो था बच्चों आपकी आज की क्लास का थ्योरी वाला पार्ट एनसीईआरटी प्रश्नावली एक पॉइंट तीन से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने आपको करा दी है एग्जाम्पल भी मैंने आपको काफी करवा दिए चलिए हम एनसीईआरटी प्रश्नावली एक पॉइंट तीन के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं तो पर क्वेश्चन है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी उपसमुचय लिखिए वैसे तो बेटा मैंने आपको समुच्चयों के उपसमुचों का निर्माण करना बता दिया चलिए फिर भी हम यहाँ पर देख लेते हैं सो पहला है ए केवल एक अवयव है बेटा कितने उप बनेंगे अवयव की संख्या एक है तो उपसमुच बनेंगे दो की घात एक मतलब दो कौन कौन से होंगे एक तो बनेगा ये और एक बन जाएगा ये ये बेटा दो उपसमुच बन जाएंगे ठीक है सेकंड वाले में यहां पर दो अवयव हैं कितने समुच्चय बनेंगे दो की घात दो यानी चार तो ये हो जाएंगे एक रिक्त एक में A, एक में बी एक में A, B. इसके तो भाई ना जाने कितनी बार आज की क्लास में मैंने आपको बनवा दिए चौथा है रिक्त रिक्त का क्या बनेगा केवल एक रिक्त ही बनेगा ठीक है केवल एक रिक्त ही बनेगा तो चौथे वाले का रिक्त बन जाएगा ओके तो इस तरीके से बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था देखो एक पॉइंट तीन के मैंने पहले दूसरे तीसरे प्रश्न नहीं करवाए क्योंकि उनमें आपको केवल बताना है 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 कि दिया गया समुच्चय उसका उसका या नहीं तो तो आंसर आप बेहतर से दे सकते हो ठीक अच्छा इसके बाद पांचवा क्वेश्चन देखो यहां पर बेटा आपको इन्हें अंतराल रूप में लिखना है अब देखो अंतराल रूप में हम कैसे लिखेंगे ठीक है समुच्चय निर्माण रूप दे रखा है यहां पर देखो बेटा एक्स माइनस चार से बड़ा है छह से छोटा है माइनस so चार बच्चों आपका यहां पर होगा छह यहां पर होगा पहले वाले पार्ट की बात कर रहे हैं ठीक है ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को माइनस चार इधर होगा छह इधर होगा अब माइनस चार पर बराबर का चिन्ह नहीं है मतलब माइनस चार शामिल नहीं है तो यहां पर आप ऐसा होल बना दो छह पर बराबर का चिन्ह है मतलब छह शामिल है ठीक है अब यहां लिखो माइनस चार ये शामिल नहीं है तो इस पर ओपन इंटरवल ये शामिल है तो इस पर क्लोज इंटरवल ये देखो मैंने इसको अंतराल रूप में लिख दिया ठीक है सेम ऐसे ही सेकंड पार्ट पे आ जाओ यहां पर एक्स माइनस बारह से माइनस दस के बीच है तो माइनस बारह होगा रेखा पर यह होगा माइनस बारह पर बराबर का चिन्ह नहीं है मतलब माइनस बारह शामिल नहीं है माइनस दस पर बराबर का चिन्ह नहीं है मतलब माइनस दस भी शामिल नहीं है दोनों ही बेटा शामिल नहीं है ठीक है सो माइनस बारह माइनस दस शामिल नहीं है ओपन इंटरवल शामिल नहीं है ओपन इंटरवल खुला अंतराल ठीक है बस लिख दिया हमने अंतराल रूप में सेम ऐसे ही तीसरे वाले में देखो यहां पर है जीरो से सात जीरो मान लो यहां पर है सात यहां पर है जीरो पर बराबर का चिन्ह मतलब जीरो शामिल है सात पर बराबर का चिन्ह नहीं है मतलब सात शामिल नहीं है अब यहां पे लिख दो जीरो कॉमा शामिल है तो क्लोज इंटरवल शामिल नहीं है तो ओपन इंटरवल सिंपल ठीक है सेम ऐसे चौथे वाले पर आ जाओ यहां पर तीन से चार के बीच है तीन यहां पर है चार यहां पर है तीन पर भी बराबर कच्चे ने मतलब तीन शामिल है चार पर भी बराबर कच्चे ने मतलब चार शामिल है तो तीन को मैं चार लिखा शामिल है तो क्लोज इंटरवल शामिल है तो क्लोज इंटरवल बस ये हमने अंतराल रूप में लिख दिया ऐसे बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है अगले प्रश्न में चलते हैं अगला प्रश्न है हमें यहां पर बेटा निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है अब देखो बच्चों आपको लिखना कैसे है बेटा यदि आपने पिछले प्रश्न में ध्यान दिया हो ना तो यहां पर देखो में एक्स, एक्स लिखा हुआ है बिलोंग्स 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 टू 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 ये भी लिखा हुआ है देन उसके बाद बोला गया कि एक्स कहां से कहां तक है तो देखो मुझे इन्हें यदि समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा पहले पार्ट की बात करते हैं तो यहां पर मान लीजिए पहले पार्ट में एक्स अवेव है एक्स बिलोंग्स टू आर है कॉमा अब माइनस तीन से जीरो के बीच है तो पहले आप माइनस तीन लिखो एक्स लिखो जीरो लिखो माइनस तीन शामिल नहीं है तो केवल ग्रेट ये वाला चिन्ह जीरो शामिल नहीं है तो ये वाला चिन्ह बस हो गया समुचि निर्माण रो सेम ऐसे दूसरे वाले में जाओ ये काम तो आप कर ही दो ये तो समय करना ही है ठीक है अब यहां पर है छ और बारह अब छह शामिल है तो बराबर का चिन्ह लगा दो बारह भी शामिल है बराबर का चिन्ह लगा दो सिंपल सेम ऐसे ही तीसरे वाले पे आ जाओ यहां पर भी ये काम तो कर ही दो अब है छह बारह अब यहां पर देखो छह शामिल नहीं है क्योंकि खुला अंतराल है तो बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा बारह शामिल है यहां पर बराबर का चिन्ह लग जाएगा ठीक है सेम ऐसे ही चौथे पार्ट पर आ जाओ यहां पर एक्स एक्स बिलोंग टू आर कौ अब माइनस तेईस से पांच है तो माइनस तेईस से पांच अब यहां पर देखो बेटा माइनस तेईस शामिल है क्योंकि बंद अंतराल है तो यहां पर बराबर का चिन्ह लगा दो पांच शामिल नहीं है खुला अंतराल है इसलिए यहां पर बराबर का चिन्ह नहीं लगेगा तो ये बेटा मैंने इन्हें समुच्च निर्माण रूप में लिख दिया क्लियर इस तरीके से बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना है वो क्वेश्चन हो जाएंगे ओके okay? चलिए अब मुझे उम्मीद है बेटा आप सबको आज की क्लास काफी अच्छी लगी होगी यदि आपने ध्यान से आज की क्लास को अटेंड किया आज बच्चों हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया वो था उपसमुचे और मुझे उम्मीद है कि अब आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए बेटा अब आज की इस क्लास क्लास को स्टॉप करते हैं आई होप आप सब की क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इसको लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ चलिए बच्चों अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में जिसमें बेटा मैं आपको इस चैप्टर के अगले टॉपिक समुच्चयों पर संक्रियाओं के बारे में बताऊंगा ठीक है वो भी बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओके अब चलिए बच्चों इस क्लास को हम पर समाप्त करते हैं जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय